Very, very good morning to all my dear students. Good morning, sir. Good morning, please bait here. Hi, please, page number 92. क्वेश्चन नंबर 14 से पहले का सारा पार्ट हमारा हो गया था, बताइए यस और नो, हो गया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर। अगर कोई रिटर्न टाइम पे फाइल ना करे, घोषित ना करो, हमारा क्या जा रहा है, हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, लेकिन हम चाहे तो आपको नोटिस भी दे सकते हैं। तो ये लिखा हुआ 46 में नोटिस दे सकते हैं। वे रजिस्टर पर्सन फेस्ड फर्निश अंडर 39 और 44 और 45 ए नोटिस शैल बी इशूड रिक्वायरिंग टू फर्निश रिटर्न विद इन 15 डेज इन GSTR 3 है। तो ऐसे ही रीड कर लो, नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, चाहे रिटर्न 39 की हो, 3B है, या GSTR 4 है, या 44 की है एनुअल रिटर्न, या 45 की है फाइनल रिटर्न। अब पेनल्टी कितनी लगेगी, एक्सप्लेन पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग रिटर्न, इफ एनी पर्सन नॉट फाइल रिटर्न नोटिस शैल बी अंडर सेक्शन 46 रूल 68 इन फॉर्म नंबर 60। अब देखिए, पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग GSTR 1 शैल बी गिवन बिलो, इफ आउटपुट सप्लाई नील पेनल्टी शैल बी 10 रुपये पर डे। ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको, मैक्सिमम लगेगी 250 रुपये। इन अदर केसेस पेनल्टी शैल बी 25 पर डे फॉर एवरी डे बट मैक्सिमम 1000 प्रोवाइडेड एग्रीगेट टर्नओवर प्रिंटिंग फाइनेंशियल इज अप टू 1.54। 25 रुपये पर डे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी। अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा थी और 5 करोड़ तक थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2500, और अगर इससे भी ज़्यादा थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5000। ये 1000 और 2500, 5000 ये CGST का है, इतना ही SGST में भी लगेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में CGST है तो खाली CGST का लिखा हुआ, लेकिन SGST में भी लगेगा। तो यानी इसका डबल कर लेना आप, 25 रुपये प्लस 25, 10 प्लस 10, मैक्सिमम 250 प्लस 250 वगैरह वगैरह, देख लो एक बार, चेक कर लो। जबकि इनकम टैक्स में फिक्स था, कुछ केस में 1000, कुछ केस में 5000, आप 31 दिसंबर तक कभी भी भर लो, फिक्स है, इसमें फिक्स नहीं है, पर डे के हिसाब से। ये था GSTR 1 का। अब GSTR 3B का भी सेम है। GSTR 3B का नील का 10 रुपये पर डे, मैक्सिमम 250, और अगर नील नहीं है तो 25 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1000, 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2500, उससे ज़्यादा तो 5000। फिर GSTR 4 का कंपोजिशन वाले का, नील है 10 रुपये पर डे, मैक्सिमम 250, और अगर कुछ अमाउंट था तो 25 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1000। इसमें मैक्सिमम 1000 इसलिए है क्योंकि कंपोजिशन वाले का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कीम खाली 1.5 करोड़ तक है। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होगा तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा, इसलिए 1.5 करोड़ के ऊपर वाली बात इसमें नहीं लिखी। डबल लेट फीस अंडर CGST एक्ट एंड एन इक्वल अमाउंट शैल बी पेबल अंडर SGST और TST, इक्वल अमाउंट उसमें भी लगेगा। बस इसको आराम से पहले रीड कर लो, GSTR 1 का, 3B का, 4 का, तीनों का सेम है। हाँ, जिसको डाउट है यहाँ तक पिछली क्लासेस के पार्ट में और आज की क्लास के पार्ट में, पेनल्टी वाला तो बेसिकली आपको रटना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं जो सिंपल रटने वाले होते हैं, ताकि 42 मार्क्स सबके आ ही जाए। मतलब हर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं कि भाई पास तो सबको करवाना ही है, 50-60 के तो ऐसे ही दे दो, जिसको ज़्यादा चाहिए 50-60 से उसको फिर एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, उसको फिर घुमाओ, तो 10-20 मार्क्स से और मिल जाएंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट, फिर 10-20 के ऐसे डालो कर ही ना पाए, रेयरली करने वाला हो वो कर ले, ले ले ज़्यादा। तो ये तो ऐसा है याद करने वाला, कर लो याद फटाफट, किसी को डाउट है तो बोलो, पिछली क्लास वाले में डाउट है तो बोलो।
अब अगर रिटर्न लेट हुई है एनुअल, उसकी पेनल्टी अलग है, और जो फाइनल रिटर्न है उसकी पेनल्टी अलग है। तो यानी GSTR 1, 3B और GSTR 4 की अलग है, एनुअल वाले की अलग है, फाइनल वाले की अलग है। अब देखो एनुअल वाले की पेनल्टी फॉर डिलेइंग फाइलिंग एनुअल रिटर्न सेक्शन 44, एनी स्टेट पर्सन फेज फर्निश एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट शैल बी लायबल टू पे लेट फी ऑफ 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 0.25% ऑफ द टर्नओवर। जैसे मान लो डिले है 20 दिन का, टर्नओवर है 60 लाख, तो 20 दिन इंटू 100 हो गया 2000, और टर्नओवर का निकाल लो 0.25%, वो आया 15000, विच हैव लेस हो गया 2000। फिर डिले है मान लो 20 दिन की, टर्नओवर है मान लो 10 लाख का, 20 दिन का हो गया 2000, टर्नओवर का 0.25% हो गया 2500, विच इज लेस 2000। फिर मान लो डिले है 40 डेज का, 40 डेज इंटू 100 हो गया 4000, टर्नओवर का 0.25% हो गया 2500, विच इज लेस हो गया 2500। अब डिले है 100 डेज का, टर्नओवर है 50 लाख, 100 डेज का बना 10000, और टर्नओवर का 0.5 में 12500, विच इज लेस बना 10000। ये सिस्टम रहेगा एनुअल ब्रीफ में, ये CGST का है, इतना ही SGST का भी है, यानी इसका डबल लगेगा। उससे एनुअल तो देखो साल में एक बार आनी है, अब इसको तो कम से कम डिले ना करो, इसको भी डिले करोगे तो पेनल्टी थोड़ी ज़्यादा है, 10 रुपये 25 रुपये नहीं है, 100 रुपये पर डे है। ऑफकोर्स आपके टर्नओवर पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम जितनी टर्नओवर है उसका 0.25% से ज़्यादा नहीं लेंगे। बस इसको रीड करके देखो एनुअल रिटर्न का लेट भी। हाँ जी बोलो डाउट। यहाँ तक पहले डाउट, आराम से आराम से। एक्चुअली आज ये इधर वाला रास्ता बंद है, सरस्वती वार वाला नहीं, मैं इसकी बात नहीं बता रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ। ये रास्ता बंद है तो फिर वो नीचे से अंडरपास के उधर से चक्कर काट के पावर हाउस से, फिर भी मैं 5 मिनट लेट हुआ पहुंच गया मैं, कम से कम उन्होंने मेरे 15 मिनट ख़राब किए। तो इस तरफ से जो आएगा वो तो लेट आएगा, बाकी जो मेट्रो में आ रहा, तो तू मेट्रो में आया है और तू ऐसे पसीने पूछ रहा है, मेट्रो में पसीने पूछना क्या कहूँ, मेट्रो में तो आराम से बैठे, जैसे कल ये मुझे मिले थे मेट्रो में, है ना, आराम से बैठे थे ना, दो सीट लेके मैं बैठा और गप्पे मारते आए, हवा खाते आए। अच्छा एनी वे डाउट पूछे यहाँ तक। अब देखो फाइनल रिटर्न, आखिरी रिटर्न, वैसे अब आखिरी रिटर्न तो भाई टाइम पे दे दो, अब तुम आखिरी रिटर्न भी टाइम पे नहीं दोगे तो दो फिर पेनल्टी दो। सेक्शन 45, एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड इज रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच ही इज लेटर। ये पार्ट तो लास्ट पर्सन डिस्कस किया, 3 महीने फाइल करनी है, और अगर वो लेट हो गए तो क्वांटम ऑफ फी ये है, इफ देर इज ए डिले 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5000, इक्वल अमाउंट SGST UTGST का। ठीक है देख लो रीड करके। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था, जैसे कैंसिल करने का ऑर्डर इशू हुआ है 10 जुलाई 24 को, कैंसिल कर दो, और कैंसिलेशन एप्लीकेबल है लेट सी 1st अगस्त 24, ध्यान आ गया लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और रिटर्न फाइल करने 3 महीने, 3 महीने कौन से वाली डेट से, विच आज लेटर, यहाँ से 3 महीने, 3 महीने निकल गए और रिटर्न नहीं आई, 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 5000, 100 रुपये पर डे CGST, 100 रुपये पर डे SGST, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें दो, स्टेट गवर्नमेंट से हमें दो, दोनों को दो, ये है फाइनल रिटर्न। रीड करके देख लो।
हाँ जी बोलो, डाउट्स सिंपल याद करने वाले हैं, रटना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत आता है ये, पेनल्टी वाला इनकम टैक्स में भी आता है, इसमें भी आता है, दोनों में आता है, डिले फॉर फाइनल टर्म, इनकम टैक्स में भी पॉपुलर क्वेश्चन, इसमें भी पॉपुलर क्वेश्चन, सिंपली याद करना है, कोई डाउट है तो बोलो, पिछली क्लास के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, वो सेक्शन आज सारे याद करके आए हो ना, 1 to 52 जो लास्ट क्लास में याद किए थे, ठीक है, किसी से भी एट रैंडम कुछ भी पूछ लो, या तो टॉपिक बोलूँगा सेक्शन बताओ, या सेक्शन बोलूँगा टॉपिक बताओ, तैयार हो ना, वहीं से एक बार और साथ साथ रिवाइज करते चलना, मैं थोड़ा और आगे करवा दूँ फिर पूछूँगा, देखो आगे। अच्छा 16 सेक्शन क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, है ना, यस और नो, 17 करवा दिया था, आ जाओ 18। रिटर्न का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हमें सारी खबर मिल जाती है, रिटर्न के थ्रू हम सारी खबर मंगवा लेते हैं। एक्सप्लेन पर्पज ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन एनी टैक्स लॉ, फाइलिंग रिटर्न कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीजर विच एनेबल्स गवर्नमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टिमेट द टैक्स कलेक्शन फॉर पर्टिकुलर पीरियड, डिटरमिन द करेक्टनेस ऑफ द टैक्स कंप्लायंस ऑफ द टैक्स पेयर, रिटर्न सर्व द फॉलोइंग पर्पज, मोड ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर पर्सन की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी डिपार्टमेंट के पास, कंप्लायंस वेरिफिकेशन जो हमने काम कहे थे आपने पूरे किए नहीं किए पता लग जाएगा, फाइनलाइजेशन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड का टैक्स आपने कैलकुलेट करके हमें दिया है चेक कर लेंगे, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, आगे कोई पॉलिसी बनानी है तो चेक कर लेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट करवाना नहीं करवाना, कितने का करवाना, ओवरऑल पिक्चर देख के समझ में आएगा, टैक्स बहुत कम आ रहा है ऑडिट करवाओ सबकी, टैक्स इवेजन चल रहा है जो टैक्स कम आ रहा है इनकी रीड करना शुरू करो, यहाँ से पता लग जाएगा। टैक्स पेयर इज जनरली रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर स्पेसिफिक स्टेटरी फॉर्मेट, दिस फॉर्मेट्स आर देयरफॉर डिजाइन टू टेक केयर ऑफ, जो भी डिजाइन किए गए फॉर्मेट पर्पज है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, फालतू का क्वेश्चन है रीड कर लो, ये भी वही है फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन, रीड कर लीजिएगा। कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो बोलना, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको, कोई स्पेसिफिक वर्ड सेंटेंस हो तो बताना, फिर उसको डिस्कस करेंगे। बोलिए कोई वर्ड सेंटेंस जो क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई वर्ड सेंटेंस क्लियर नहीं है, ठीक है। एनआरटीपी वाला मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 एनआरटीपी का पूरा नोट किया था ना, वही है ये। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में सेक्शन 51 टीडीएस का बता दिया था, वही वाला पार्ट। फिर मैंने आपको टीसीएस का भी बता दिया था, वही वाला पार्ट। फिर मैंने ओआईडीआर का भी बता दिया था, वही वाला पार्ट। फिर मैंने आईएसडी का भी बता दिया था, वही वाला पार्ट। फिर भी आप एक रीडिंग ले लो, कोई वर्ड सेंटेंस तो पूछना, ये डिस्कस हो गए थे पिछली क्लास में सारे, फिर भी आप रीड कर लो कोई वर्ड सेंटेंस आता हो। हाँ जी बोलिए कोई वर्ड सेंटेंस जो क्लियर नहीं हो, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, है कोई वर्ड सेंटेंस? ठीक है चलें आगे फिर। चलो ये चैप्टर ख़त्म, अगले चैप्टर पे आओ।
क्वेश्चन एग्जाम के सब हो जाएंगे, आँख बंद करके सॉल्व कर लेना, किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ज़्यादातर तो पेनल्टी के ही पूछ रखे हैं, इसकी पेनल्टी बताओ, उसकी पेनल्टी बताओ, ये बताओ, वो बताओ। आइए पेमेंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट ऑफ जीएसटी के कितने सेक्शन बताए थे मैंने? सिर्फ दो, 49, 50। 50 बेसिकली इंटरेस्ट का है, पेमेंट का बेसिकली एक ही है, हाउ टू मेक द पेमेंट। इसका भी मेन पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, 49(5). ITC को कैसे एडजस्ट करना है, पहले किसका करना है? IGST। उसके बाद बच जाए IGST, IGST से करने के बाद CGST, जैसे आपकी मर्जी। फिर CGST से बच जाए तो IGST से, SGST से बच जाए तो IGST, दोनों बच जाए तो पहले CGST बाद में IGST, 49(5). देखो स्टार्टिंग में तो यही है। एक्सप्लेन रूल्स फॉर यूटिलाइजेशन पुट एज स्टडीड 49(5). ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आता है, ये प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, इसके हिसाब से यूटिलाइज करना है। इसके प्रैक्टिकल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक बार दोबारा फिर रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ITC किसका एडजस्ट करना, IGST का, कहाँ से करना, IGST से, बच जाए तो CGST से, आपकी मर्जी है। जब IGST खत्म हो जाए फिर नंबर लगा लेना CGST या SGST का। CGST करना CGST से, SGST करना SGST से, CGST कभी SGST से मत करना, SGST कभी CGST से मत करना। बच जाए CGST तो ले जाना IGST में, बच जाए CGST ले जाना IGST में, दोनों बच जाए तो पहले ले जाना CGST को, बाद में ले जाना SGST को। आप रीड कर लो आराम से, ठीक है, इससे अच्छे से याद करके रखना, आप रीड कर लो। 49(5) आपकी बार फाउंडेशन के सिलेबस में भी डाल दिया है, फाउंडेशन वाले बच्चों को भी करवाया आपकी बार ये 49(5). डाउट बोलिए यहाँ तक। आगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ड्यूज एंड रिड्यूस 49(8). एज पर 49(8), एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सेल्फ एस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड, सेल्फ एस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ द करंट टैक्स पीरियड, एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट फॉर द रूल्स मेड देयर अंडर इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमिनेंट 73-74। टैक्स ड्यूज मींस द टैक्स पेबल डज नॉट रिकवर इंटरेस्ट पेड अदर ड्यूज मेड। देखिए इसका मतलब, मैंने मई 24 का टैक्स नहीं दिया और मैंने इसका इंटरेस्ट पेनल्टी भी नहीं दिया, तो इसका नाम है अदर ड्यूज, इसका नाम है टैक्स ड्यूज। मैंने मई 24 का टैक्स देना था, नहीं दिया, लेट हो गए, लेट होने पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा, वो भी नहीं दिया, पेनल्टी भी तो लगेगी, रिटर्न लेट हो गई है, 10 रुपये पर डे, 25 रुपये पर डे, वो भी नहीं दिया, तो उसे टैक्स को तो बोलेंगे हम क्या, टैक्स ड्यूज। सेक्शन 49 ने नाम दिया टैक्स ड्यूज। बाकी जो पेमेंट्स है इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी वगैरह, इसको क्या बोलेंगे, अदर ड्यूज, टैक्स ड्यूज, अदर ड्यूज, ठीक है। फिर जून का महीना आया, इसकी पेमेंट की डेट 20 जुलाई, इसका भी मैंने नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो पे कर देता हूँ, जून का तो पे करूँ, मई को छोड़ोगे, उसे ऐसा नहीं कर सकते आप, पहले आपको मई का पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लियर टैक्स ड्यूज एज वेल एज अदर ड्यूज ऑफ द अर्लियर मंथ। जब पहले सबके खत्म हो जाएंगे तब इसका करोगे ऑर्डर, सबसे पुराना पहले बाद में ये। तो इस पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, बताइए ऑर्डर बताइए, आया हुआ है शायद 2 नंबर का नहीं, शायद 4 नंबर का आया हुआ है। तो मैंने ये भी दे दिए, ये भी दे दिए, लेट्स सी सेक्शन 73 और 74 है जो सिलेबस में नहीं है, उसमें पेनल्टी लगती है अगर टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े जाए, वो पेनल्टी भी लगी थी। तो उससे पहले ये दे दो, फिर ये दे दो, अब ये पेनल्टी दे दो, बाद में कोई स्पेशल पेनल्टी लगी है तो वो दे दो, ये ऑर्डर आएगा। 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आया अभी, मैं आपको रीड कराऊँगा। अच्छा 5 नंबर का आया हुआ, ओहो इसी के साथ है, मई 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, पहले एक बार पढ़ लो फिर क्वेश्चन करते हैं एग्जाम। देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मानिक प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज टैक्स अदर लायबिलिटी अंडर GST। टैक्स ड्यूज फॉर द मंथ ऑफ मे, इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ मे, पेनल्टी फॉर द मंथ ऑफ मे, टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जून, लायबिलिटी रिजर्व डिमांड नोटिस 73। मिस्टर मानिक वांट्स टू क्लियर, फर्स्ट वो चाहता है मैं 73 क्लियर कर दूं, क्यों क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। क्या ऑर्डर रहेगा, द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज शैल बी सेल्फ असेस टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी
अदर अमाउंट रिलेटेड रिटर्न टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करंट टैक्स पीरियड, लास्ट में नंबर लगेगा 73 और 74 का, देख लो। अब ये जो है ना, ये फ्री वाले मार्क्स हैं, इसमें किसी को कुछ नहीं समझना, बस याद करके रखना है। पाँच नंबर का कर दिया वो भी, तो मैं बता रहा हूँ इतना 40-50 नंबर तो सबके आ जाए, उतना अरेंजमेंट क्वेश्चन पेपर में होता है। 50 के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं, 70 के बाद थोड़ा और डिफ़िकल्ट, 90 और 100 के बीच के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं क्वेश्चन उठा के आउट ऑफ सिलेबस डाल दो, कोई बच्चा कर ही नहीं पाएगा। देखो रीड करके, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं हर बार, 5 नंबर 7 नंबर के होते हैं। आपको भी 5-7 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस में परवाह मत करना। वैसे भी एक फुल क्वेश्चन की तो चॉइस होती है, एक फुल क्वेश्चन की इनकम टैक्स में, एक फुल क्वेश्चन की जीएसटी में, पूरा क्वेश्चन छोड़ दो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन है, दूसरे अटैम्प्ट कर लो। एक छोड़ के भी दूसरे में 5-7 नंबर का मिलेगा आउट ऑफ सिलेबस, तो क्या हो, छोड़ दो। मतलब आप पैनिक मत करना एग्ज़ाम में कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का है तो सुना ही नहीं कभी। तो पहले से मान के चलना, हमें तो पता था ऐसा होगा, हमें कोई डर नहीं लगता, मैं ये कह रहा हूँ। देखो रीड कर, हाँ जी बोलो, डाउट यहाँ तक कितने पार्ट तक, कोई डाउट बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ टैक्स और अदर ड्यूज वन अकाउंट टू द अदर, 4910 एज पर 4910 रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स यूनिटेड टैक्स और सेस इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल टैक्स ऑफ डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन 25-4, 25-5 प्रोवाइडेड नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी शैल बी अलाउड इफ द असेट रजिस्टर पर्सन हैज एनी अनपेड लाइबिलिटी इन हिज इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द अमाउंट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। इतना एक बार रीड करो। देखो मैं आपको पहले PMT 06 चालान फॉर्म दिखाता हूँ, उसके बेस पे फिर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 106 पे आ जाओ, 106। देखो पेमेंट के लिए ना ये चालान फॉर्म भरना है, जैसे हमने इनकम टैक्स में किया था ना, ITNS 280 281 याद आ गया ना। एडवांस टैक्स का कौन सा था, एडवांस टैक्स का चालान फॉर्म नंबर इनकम टैक्स में ITNS 280 और TDS का 281, ऐसे इसका है PMT 06। PMT मीन्स पेमेंट, CPIN ऑटो जनरेटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करंट डेट चलान एक्सपायरी डेट GST, ईमेल एड्रेस नेम लीगल नेम मोबाइल नंबर एड्रेस, उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट UT, उसके बाद मेजर हेड सेंट्रल टैक्स इंटीग्रेटेड सेस स्टेट टैक्स यूटी टैक्स, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी अदर दिस माइनर हेड, फिर नीचे है मोड ऑफ पेमेंट, रेलिवेंट पार्ट विल बिकम एक्टिव व्हेन द पर्टिकुलर मोड इज सिलेक्टेड, ई पेमेंट दिस विल इंक्लूड मोड्स ऑफ ई पेमेंट सच एज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग ओवर द काउंटर OTC बैंक वेयर कैश इंस्ट्रूमेंट इज प्रपोज टू बी डिपॉजिटेड डिटेल NEFT RTGS वगैरह वगैरह। तो रफली एक बार देखो फिर मैं आपको बताता हूँ।
देखो पूरी बात समझिए, मुझे पेमेंट करना है जीएसटी का, उसमें सीजीएसटी हो सकता है, दिल्ली गवर्नमेंट का जीएसटी हो सकता है, मैं तो दिल्ली में हूँ, आईजीएसटी हो सकता है, फिर इनका इंटरेस्ट हो सकता है किसी का भी, लेट फी हो सकती है किसी की भी। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कौन सी गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना, गवर्नमेंट बता दूँ आपको, ये सेंट्रल को जाएगा, स्टेट को जाएगा, ये सेंटर को जाएगा, इसका नाम रखा माइनर हेड, इसका नाम रखा मेजर हेड, मेजर हेड यानी कौन से वाला टैक्स है ये बता दो, इनका नाम रखा माइनर हेड, फिर उसके डिटेल बता दो टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना वगैरह वगैरह। तो मेजर हेड से मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट या वो टैक्स जो आप पे करेंगे। माइनर हेड से मतलब क्या है, टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, पेनल्टी कितनी, फी कितनी, वो किस में जाएगा, माइनर हेड में। अब ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, डिस्कस मेजर हेड एंड माइनर हेड अंडर PMT 06। तो मेजर हेड मतलब आपको बताना है कौन सा टैक्स है, माइनर हेड मतलब ये बताना है टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना है वगैरह 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 कितना है। लेकिन उससे पहले मैंने ऊपर का सारा छोड़ दिया, तो ऊपर का भी देख लो, जब मैं पेमेंट करूँगा तो मैं डिमांड करूँगा PMT 06। PMT 06 कैसे डिमांड करूँगा, पहले तो मेरे पास यूज़र नेम है, ID है, पासवर्ड है, वो डालूँगा तभी तो मेरा अकाउंट खुलेगा। जैसे मैं यूज़र ID पासवर्ड यूज़ करूँगा तो मुझे पहचान जाएगी पोर्टल ये कौन है, और पोर्टल को मेरा GSTN पता है क्योंकि उस GSTN को ये अलॉट हुआ है। तो जैसे ही मैं पासवर्ड ID यूज़ करके डिमांड करूँगा PMT 06, आई विल बी सरप्राइज, ये तो पहले भर रखा इन्होंने, मेरे सारे पर्टिकुलर भर दिए। देखो इसमें लिख रखा ना ऑटो पॉपुलेटेड, कौन कौन से ऑटो पॉपुलेटेड, देखो CPIN तो ऑटो जनरेटेड है, ये क्या होता भी बताता हूँ। डेट जो डेट है, आज की डेट आएगी, चलान एक्सपायरी डेट एक होती है, वो बताता हूँ आपको क्या होती है। अब इसके आगे देखो, GSTN मेरा उन्होंने अपने आप ही भर दिया, मेरा मेल ID भी भर दिया, नाम, बिजनेस का नाम, मोबाइल नंबर, उनसे क्योंकि हमें पता है ना, हम दोबारा भरवा के आपसे क्या करेंगे, ठीक है। आप तो जो भरने वाली बात है ये बताओ कि कौन से मेजर हेड में पेमेंट करने जा रहे हो, उसके आगे माइनर हेड सारे भर दो, समझ में आ जाएगा कि इसमें पेमेंट करने जा रहे हो, कौन कौन सा टैक्स पे करने जा रहे हो वो बताओ। तो एक बार इसको रफली रीड करो, फिर बताता हूँ मैं आपको। अब देखो जो सबसे पहला कॉलम है ना CPIN, वो क्या चीज़ है, क्या पर्पज़ है। सपोज मैंने ये भर दिया और पेमेंट कर दिया, और गवर्नमेंट कह रही है पेमेंट आई नहीं मेरे पास, मैंने कहा ये कैसे हुआ, उनसे कौन सा वो चलान फॉर्म था उसके पर्टिकुलर बताओ। मैं पर्टिकुलर कहाँ से बताऊँ, कोई नंबर तो है ही नहीं, जैसे कि इनकम टैक्स में इसका कोई नंबर नहीं, वो तो कॉमन नंबर है ना ITNS 280, जैसे PMT 06 है, स्पेसिफिक सीरियल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर GST पोर्टल ने कहा इसका स्पेसिफिक सीरियल नंबर भी हम आपको देंगे, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो नंबर बता देना। उसका नाम है CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर चलान का एक CPIN आएगा, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर आपने ये फॉर्म डिमांड कर लिया, जब भरने लगे तो आपके खास फ्रेंड का फ़ोन आ गया, क्या यार चलते हैं, बरसात हो रही है, बाद में भर दियो ना फॉर्म, तो चले गए छोड़ के ऐसे ही। तो ये क्या पोर्टल पे ऐसे ही रहेगा कि गायब हो जाएगा, जल्दी गायब हो जाता है, उनसे 15 दिन तक गायब नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन तक हमें पता तुम लौट के आ जाओगे, जहाँ भी गए हो 15 दिन तक आपका इंतज़ार करेंगे, 15 दिन तक नहीं आए गायब हो जाएगा, हो जाने तो आपका क्या जा रहा है, फिर डिमांड कर लो, फिर नहीं आ जाएगा। तो ये एक्सपायरी डेट है 15 दिन की, और ये ऑटो जनरेटेड है CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जरा एक बार फिर रीड करो इसको, ये अच्छे से भरना आना चाहिए आपको। ये 14 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का होगा ये CPIN, एक्सपायरी डेट 15 दिन की, एक बार डिमांड कर लिया 15 दिन तक मिलेगा आपको, 15 दिन के बाद गायब होगा, सारे हमारे पर्टिकुलर वो भर देंगे। अब कौन से टैक्स का हमें क्या पता हो, तो तुम ही भरोगे, CGST कितना देना है, पहले मेजर हेड बताओ आपको CGST देना, आगे लिखो टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, लेट फी कितनी, माइनर हेड भरो। तो जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे ना, जिसकी वजह से यहाँ आए, उसमें इसमें गलती होने का सोल्यूशन बता रखा है, गलती को कैसे ठीक करोगे, पहले पता लग जाए फॉर्मेट क्या है, भरना कैसे है, फिर अभी बात करेंगे इसमें क्या गलती हुई, और गलती को ठीक करने का तरीका मैंने रखा है। तो आप एक बार दोबारा देख लो, अब चेक करो कौन सा कॉलम है जो मैंने नहीं बताया, कौन सा,
कौन सा नहीं बताया। नीचे तो पेमेंट का है, पेमेंट आपको कैसे करनी है आप सेलेक्ट कर लो, ऑनलाइन करनी है या ओवर द काउंटर करनी है। ओवर द काउंटर 10,000 तक अलाउड होती है, बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS, NEFT वगैरह वगैरह। पूरा देखो, पूरे इसमें बताओ कौन सा वर्ड सेंटेंस मैंने नहीं बताया, ये पूरा भरना आना चाहिए आपको। हाँ जी बोलो, इसमें कौन सा कॉलम है जो क्लियर नहीं है? माइनर हेड, मेजर हेड। मेजर हेड मतलब कौन से वाला टैक्स है, माइनर हेड मतलब कितना टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी फी है। माइनर हेड, मेजर हेड, इसका भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज माइनर हेड, व्हाट इज मेजर हेड। अब देखो, पैसा मेरा मेरे अकाउंट से निकल गया, जैसे ये फिल करेंगे जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है उसकी साइट साथ साथ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। इनका कनेक्शन सब बैंक से है। मैंडेट फॉर्म अपीयर हो जाएगा, उसमें मैं फिगर भर दूंगा, बैंक पैसे मेरे अकाउंट से निकाल के इनको दे देगा, ठीक है। अब जब बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया तो बैंक मुझे एक एक्नॉलेजमेंट देगा, रिसिप्ट, ठीक है। तो जो रिसिप्ट होगी उसके ऊपर 17 डिजिट का एक नंबर आएगा, 14 डिजिट तो ये रहे, 3 बैंक इसमें और जोड़ देगा, 17 डिजिट हो जाएंगी ये। ये 3 डिजिट जुड़ने का मतलब है कि पेमेंट GST पोर्टल को हो गया है। अब इसका नाम बदल के हो जाएगा SIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैं बैंक से डील करूंगा तो ये नंबर दूंगा बैंक को कि जी इस नंबर से मेरा पेमेंट था और वो GST पोर्टल के एरिया अभी मिला ही नहीं, कहाँ गया वो। और इसी नंबर से फिर मैं बाद में डील करूंगा GST पोर्टल से, क्योंकि इसमें उनका नंबर भी है, बैंक का नंबर भी है। बाई चांस पैसा उधर उधर हो जाए, जनरली होता नहीं है, रेयरली अगर हो जाए तो CPIN 14 डिजिट का है, वो किसने दिया है? GST पोर्टल ने। उसके साथ 3 डिजिट और ऐड कर दिए, किसने? बैंक ने। 3 डिजिट ऐड करने पर इसका नाम CPIN नहीं होगा, CIN होगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पेमेंट होने के बाद गड़बड़ है तो SIN कोड करो, और पेमेंट अभी हुई नहीं उससे पहले कोई प्रॉब्लम है तो CPIN कोड करो। तो इसका थ्योरी पार्ट भी मैं अभी आपको रीड करवा देता हूँ, फिर बात करेंगे इसमें क्या गलती हो जाती है, गलती कैसे ठीक करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट रीड कराता हूँ मैं आपको, पेज नंबर 105 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा मैं कैसे पहुंचाऊं? द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन इन फॉर्म में GST PMT 05, इसका जो फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, इस फॉर्मेट में मिलेगा। जमा करने वाला क्या करे? पर्सन शैल जनरेट चलान GST PMT 06 ऑन द कौन पोर्टल एंटर द अमाउंट टू बी डिपोजिटेड बाई हिम टूवर्ड्स द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और द अमाउंट चलानी फ्रॉम GST PMT 06 इन द कौन पोर्टल शैल बी वैलिड फॉर 15 डेज। डिपॉजिट शैल बी मेड, इनमें से कोई भी मीन्स आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट, UPI, IMPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS वगैरह वगैरह। और 10,000 तक का अमाउंट है, फोर्थ नंबर पे है, तो आप चेक ड्राफ्ट ले जाके बैंक में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन चलान आपको पोर्टल पे बनाना पड़ेगा। पोर्टल पे चलान बना के इसका प्रिंट आउट ले लो, फिर इसके साथ चेक या ड्राफ्ट लगा के जाके बैंक में जमा करके आओ। चलान इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि बैंक में पड़ा हुआ मिल जाएगा, भर देना वहाँ पे। चलान बनेगा तो पोर्टल भी बनेगा, उसका प्रिंट आउट लेके चेक ड्राफ्ट लगा के बैंक में दे आओ,
ये फोर्थ पॉइंट पे ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू बैंक डिपोजिट अप टू 10,000 पर चलान। अब इसमें जो टर्म आ रही है सीपीआई स्टैंड फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिटी नंबर 14 डिजिट गिवन टू ईच चलान वैलिड 15 डेज। अब बैंक 3 डिजिट जोड़ के बनाएगा सिन चलान आइडेंटिटी नंबर, इट इज ए 17 डिजिट नंबर 14+3 जनरेटेड बाय बैंक रिसीविंग द पेमेंट इज ए कन्फर्मेशन। 3 डिजिट लगते ही कन्फर्म पेमेंट हो गई है, पेमेंट इज बीन रिसीव्ड एंड डिपोजिटेड इन द कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट, सिन इज कम्युनिकेटेड बाय बैंक द टैक्स पेयर एज वेल एज टू GSTN। फॉर रिसीविंग इंटीमेशन GST पोर्टल शैल क्रेडिट द अमाउंट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड शैल मेक अवेलेबल रिसिप्ट टू दिस इफेक्ट। डबल रिसिप्ट आएगी एक बैंक से एक यहाँ से। एनी डिस्क्रिपेंसी टू बी रिपोर्टेड, कुछ गड़बड़ हो गई है PMT07 फॉर्म भरो, रिपोर्ट कर दो, उसमें लिख दो सिन का नंबर क्या है। बैंक रेफरेंस नंबर इज द ट्रांजेक्शन नंबर गिवन बाई बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट ये चालान। ये हर ट्रांजेक्शन का आपको पता होगा आजकल एक रेफरेंस नंबर मिलता है, इसका पूरा मीनिंग बताऊंगा क्या मतलब है इसका। EFPB स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ये वो ब्रांच है जहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। हर बैंक की कुछ ब्रांचेज को गवर्नमेंट अथोराइज किया है, ये ब्रांचेज है जो पैसे को हैंडल करेंगी। वो जो पैसा ट्रांसफर होगा इन्हीं ब्रांचेज पे जाएगा, इन्हीं ब्रांचेज को रिकॉर्ड करना, इन्हीं ब्रांचेज को अकाउंट में डालना, इन्हीं ब्रांचेज को गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं जिनका नाम है EFPB। दीज आर ब्रांचेज ऑथराइज बैंक्स विच आर ऑथराइज टू कलेक्ट पेमेंट ऑफ GST। डिस्क्रिपेंसी, अगर किसी भी लेजर में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो रिपोर्ट कर दो PMT04 के थ्रू, रीड करो, जो पॉइंट क्लियर नहीं है डिस्कस करेंगे। नोट आएगा, राइट ए नोट ऑन पेमेंट ऑफ GST, ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर पेमेंट का ये है। आर्टिकलशिप में आपको बार बार ये भरने पड़ेंगे, बार बार पेमेंट करनी पड़ेगी, बार बार आपके CA बोलेंगे आपके क्लाइंट का इनका भाई पेमेंट करवाओ टैक्स का कितना बनता है, ये फॉर्म भरना है। देखो एक बार रीड कर, देखो इसमें एक टर्म आ रही है BRN बैंक रेफरेंस नंबर, है ना, आ रही है ना सी पॉइंट, तो ये पता आपको क्या होती है, कितने बच्चों को बताया, देखो ये क्या चीज़ है। जैसे मान लो मेरा करंट अकाउंट है और आज डेट है मान लो 11 जुलाई और 24, इस डेट को 20 ट्रांजैक्शन है एक ही डेट को, कोई डेबिट की कोई क्रेडिट की, इसमें से एक ट्रांजैक्शन मुझे लगता है गलत है, तो बैंक को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली ट्रांजैक्शन इसमें ये नहीं ये होना चाहिए, कुछ गलत है वगैरह वगैरह आप देख लो। तो मैं क्या कहूँगा, 11 जुलाई की एक ट्रांजेक्शन 20 है, उनमें से एक मैं कैसे समझाऊँ उनमें से कौन सी एक, क्योंकि पूरी 20 की डेट सेम है, इनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। बैंक की पासबुक में आप देखो स्पेसिफिक नंबर नहीं होगा, लेकिन आजकल बैंक ने सिस्टम बदल दिया, हर एक के आगे एक नंबर लिखा होगा, है ना, दिस इज़ बैंक रेफरेंस नंबर। जहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है वहाँ तो पक्का मिलेगा। तो मैं कहूँगा 11 तारीख का ये वाला नंबर वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें गड़बड़ है, वो इमीडिएटली देख लेंगे किसकी बात करें। सेम रेट में कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें 50-50, 100-100 ट्रांजेक्शन हो जाती है, जैसे GC का जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है, इसकी एक दिन में करंट अकाउंट में एक ही पर्टिकुलर डेट में 200-300 ट्रांजेक्शन हो जाती है, और बहुत है 200-250 वाले। अब उसमें से एक ट्रांजेक्शन गलत हो गई, कैसे समझाएं भाई। तो इसलिए ये नंबर है कि भाई हर ट्रांजेक्शन का एक नंबर मिलेगा आपको, BRN नंबर होगा, आप BRN नंबर से रेफर करो क्या बात है, हम बताएंगे आपको क्या चीज़ है, बस और देख लो कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है। लाउडली बोलो, सुनाई नहीं देता मेरी बात, या तो यहाँ खड़े होके बोलो क्या बोलो। CSTN GSTN GSTN तो मैंने सबसे पहली क्लास में बता दिया था, सारा काम कौन कंट्रोल करता है, GST नेटवर्क, इट इज़ ए NPO नॉन प्रॉफिट कंपनी, और इसी ने GST पोर्टल बनाई है, याद है, सारा का सारा GST कंट्रोल कौन करता है, GST नेटवर्क GSTN, इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सेक्शन 8 ऑफ द 13 एक्ट एंड सेक्शन 25 ऑफ द 56 एक्ट, याद आ गया ना पहले ये था GSTN। सारा खेल तो इन्हीं का है, कंट्रोल तो इन्हीं का है,
इन्होंने जीएसटी पोर्टल बनाई है, इसके शेयर गवर्नमेंट के पास भी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास भी है। जनरली जो एनपीओ होता है उसमें शेयर बाय गारंटी होता है, पता होगा ना आपको, शेयर बाय गारंटी आप समझते हो क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो एनपीओ में ज़्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। थोड़ा और देख लेते हैं, देखो मैंने, पार्थ ने और निर्भय ने, तीनों ने मिलके एक एनपीओ बनाया, तो मैं ना बताऊँ हमारा पर्पस क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पब्लिक सर्विस और क्या मतलब होता है, एनपीओ मतलब तो यही होता है समाज की सेवा करना, और समाज सेवा में पैसा नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं होती, समाज सेवा टाइम से होता है, सुबह निकलेंगे भाई घर से 6 बजे और रात तक जाके वहाँ पर गरीबों की सेवा करेंगे, हॉस्पिटल में चलेंगे मरीजों की सेवा करेंगे, तो पैसा किस लिए भाई, शेयर क्यों बेचे हम, शेयर कौन खरीदेगा, बाई चांस कोई लाइबिलिटी आ गई तो क्या करेंगे, तो आप सबसे कहा भाई 10-10% शेयर ले लो, लिमिटेड बाय गारंटी, इन केस ऑफ लाइबिलिटी यू विल पे द अमाउंट, आप गारंटी करो कि काम तुम करो, गारंटी हमारी, लाइबिलिटी आ गई तुम पे, काम करते हुए भाई किसी का नुकसान हो गया, हम तो भला कर रहे थे नुकसान हो गया तो उस लाइबिलिटी को कौन पूरा करेगा, तो जिन्होंने गारंटी की हुई है अपनी अपनी गारंटी देख लो, 10% की गारंटी मेरी, 20 की मेरी, वो देगा पैसा उसे, इसलिए भाई गारंटी दिलवाओ, इट शुड बी लिमिटेड बाय गारंटी, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, खोलना है हॉस्पिटल बनाना है, फिर ले लो आप पैसा, ये तो आपने सेक्शन 8 में स्टडी किया होगा पार्ट कंपनी। चलो और देखो, और बोलो, डिस्क्रिपेंसी का थोड़ा लाउडली बोलो या फिर यहाँ के बताओ, जो मुझे ही नहीं क्लियरली पता लगेगा तो मैं बच्चों क्या बताऊँ, 04 में तरफ क्या पूछना चाह रहे हो आप, देखो दोनों में लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है, मैं दोबारा रीड कर देता हूँ, दोनों में देखो थोड़ा फर्क है, 7 वाले में इसमें फर्क है, 7 वाला कह रहा है कि भाई ये जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, एनी कैन बी रिपोर्टेड जीएसटी पोर्टल जीएसटी, तो अगर आपके चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर में यानी पेमेंट आपके अकाउंट से निकल गया पहुंचा नहीं वहाँ, तो आप इसमें रिपोर्ट कर लो PMP07 में, और 4 कह रहा है जो आपका लेजर अकाउंट बना हुआ है उसमें एंट्री गलत कर रखी है, लेजर में बैलेंस गलत निकाल रखा है, लेजर ही गलत मेंटेन कर रखा है, तो PMT04 में रिपोर्ट कर दो, वो सिन की गलती की रिपोर्टिंग मांग रहा है और ये लेजर इटसेल्फ की गलती की रिपोर्टिंग मांग रहा है, भाई लेजर अकाउंट आपने भी बनाए हैं, लेजर अकाउंट में गलती हो सकती है ना, इसका उठा के उसके अकाउंट में पोस्ट कर दी, इसका उठा के उसमें पोस्ट कर दी, बैलेंस गलत निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऑफ कोर्स चांसेस नहीं है, फिर भी अगर हो गया है रिपोर्ट कर दो, और जो सिन है सिन को लेकर के प्रॉब्लम है, जी बैंक कह रहा आपके अकाउंट से गया, वो कह रहे आया ही नहीं, पैसा किधर गया, किसी ने हैक कर लिया या क्या कर लिया, सब दो अलग अलग टाइप की डिस्क्रिपेंसी है। और देखो, देखो ये भी थोड़ा देख लो, EFPB इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, देखो भाई मैंने HGST जमा करा दिया, HDFC मान लो पीतमपुरा में मेरी ब्रांच है उससे जमा करा दिया, और पार्थ ने ICAI में जमा करा दिया, किसी ने HDFC को, तो गवर्नमेंट सेज सारे इंडिया की ब्रांचेज में जमा हो गया, हम सबसे पैसे मांगते फिरें, लाभ भी हमारा GST, लाभ भी हमारा GST, नहीं ऐसा नहीं है, HDFC बैंक तुम सारी ब्रांचेज में लेते रहो, बाद में सारा पैसा एक ब्रांच में ट्रांसफ़र करो, हम बात उससे करेंगे, और उसका नाम है EFPB फोकल पॉइंट ब्रांच, सारे इंडिया की सारी ब्रांचेज का इकट्ठा करके वाला हो, और हमें लमसम एक ट्रांजेक्शन में ट्रांसफ़र कर दो, उसके अगर हमें कोई दिक्कत है हम उस ब्रांच से बात करेंगे, वो ब्रांच आगे बात करें जिस ब्रांच से है, बेसिकली शेयर इशू में यही सिस्टम होता है, शेयर इशू में क्या होगा, मान लो ABC लिमिटेड को शेयर इशू करना है, तो कंपनी विल डिक्लेयर बैंकर टू द इशू, बैंकर टू द इशू मतलब कोई एक बैंक जिसकी पूरे इंडिया की ब्रांचेज आपसे शेयर एप्लीकेशन लेगी और पैसा ले लेंगी, वो लेते रहेंगे, बाद में उस पर्टिकुलर बैंक की एक ब्रांच में सारा ट्रांसफ़र होके आएगा,
फिर वो उसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे जितनी एप्लीकेशन है, क्या नाम है, कितने शेयर हैं, कितना पैसा, वो सारा टोटल करके इस बैलेंस से टैली करके देंगे। डिस्क्रिपेंसी कोई नहीं है, टैली करना बैंक की ड्यूटी है, और सारे फॉर्म लगा के और उस पर्टिकुलर बैंक को संभलवा देंगे। इसके बदले में बैंक को कंपनी से मोटा कमीशन मिलता है, और यहाँ भी बैंक को गवर्नमेंट से कमीशन मिलता है। कोई भी बैंक गवर्नमेंट का काम फ्री में नहीं करता, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिजनेस। हर बैंक गवर्नमेंट के पीछे पड़ा है, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए 0.something% का कमीशन होता है, कमीशन बहुत कम होता है, जबकि कंपनीज में कमीशन मोटा होता है। तो बैंक्स की जो अर्निंग है वो खाली लोन दे करके, इंटरेस्ट की अर्निंग नहीं है। और बैंक 50 काम करता है, 50 काम कम से कम, जहाँ से ज़बरदस्त अर्निंग है उसमें ये काम भी है। एंड देयर सो मेनी अदर्स, बैंक गारंटी भी देता है, पैसा दे कि दो बैंक को बैंक गारंटी कर देगा, बिजनेस है बैंक का गारंटी करने का, पैसा दे के गारंटी करवा लो बैंक की। फिर मैंने एक आपको बताया था लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो बैंक खोलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलता है, उसमें ज़बरदस्त कमीशन बैंक का होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में। उसमें बैंक को आपके भी आप पे, जो भी इम्पोर्टर है उसके भी आप पे लेटर ही तो इशू करना, उसकी क्रेडिट वर्दी है, इसका भी ये नहीं देगा हम जिम्मेवार हैं, उसके बदले में कमीशन मिलता है। तो एनी वे ये सारे बैंकिंग बिजनेस में आते हैं। और देखो आप कौन सा वर्ड सेंटेंस क्लियर नहीं है, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या गलती होगी, फिर गलती को ठीक करने की बात करेंगे। पहले आप देख लो एक बार, हाँ जी बोलो, और कौन सा वर्ड सेंटेंस है जो क्लियर नहीं है, गलती है कोई सिन में तो पीएमटी 7 में बता दो। लेजर ही गलत बना रखा है तीनों में से कोई भी, या तीनों तो पीएमटी 04 में बता दो। अब देखो गलती क्या होगी, गलती ये हुई कि मुझे जमा करना था इंटीग्रेटेड टैक्स 10 लाख का, तो आप पेज नंबर 106 में देखो मुझे कौन से कॉलम में भरना था। पहला कॉलम तो भाई सेंट्रल टैक्स का है, दूसरा इंटीग्रेटेड का है, मुझे मान लो इंटीग्रेटेड भरना है, तो मुझे इसमें 10 लाख लिखना था, लिख दिया मैंने ऊपर वाले कॉलम में 10 लाख, तो क्या रिजल्ट निकला, ये 10 लाख सेंट्रल टैक्स अकाउंट में चला गया IEST की बजाय। बाद में गवर्नमेंट ने चेक किया कि अरे इनका तो IEST था, तो गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस दिया कि आपने IEST 10 लाख का नहीं जमा किया। तो आप बताओ आपके हिसाब से इसका क्या हल होना चाहिए, बोलो क्या हल होना चाहिए, बताओ कोई एक्सपर्ट बताए मुझे क्या हल होना चाहिए। हाँ जी बताओ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, करेक्ट और नॉट, यस और नो। अब मैं रियल लाइफ के साथ से एग्जांपल देता हूँ फिर बताना। मैंने पैसा 10 लाख देना था निर्भय को इसके अकाउंट में, और जमा कर दिया इसके अकाउंट में, पार्थ के अकाउंट में। इट इज़ पॉसिबल फॉर मी और बैंक इसके अकाउंट से 10 लाख निकाल ले, जमा कोई कर जाओ निकाल नहीं सकते, ये कह रहा निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकाले। तो IGST टैक्स वाले कह रहे हैं भैया हमारा 10 लाख दे दे सेंट्रल टैक्स का, हमें नहीं पता, तू सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर ले। यानी निर्भय कह रहा मुझसे कि सर मुझे नहीं पता, पार्थ से बात कर लो, मेरा 10 लाख निकालो। मैंने कहा भाई 10 दिन रुक जा, 10 दिन का इंटरेस्ट ले लूँगा, और पार्थ ने मान लो 10 दिन बाद दे दिए तो मुझे इंटरेस्ट देगा, वो कहेगा गलती तुम करो, तुम्हें पैसे दे दिए कम आएगा, तो इंटरेस्ट 10 दिन का कौन देगा, मैं, ये तो मैं तुम्हारा गया 10 लाख में 10 दिन का इंटरेस्ट, 6 महीने बाद दिए, ये 6 महीने का इंटरेस्ट मांग रहा है, वो कह रहा है मैंने पैसे दे दिए 10 लाख कम है क्या, बोलो क्या करें। स्टार्टिंग में ये था गौर से, हमें क्या पता, गलती तुम्हारी है निकालो इंटरेस्ट। तो मैंने कहा बोझ मेरा वापस गौर से ले जाओ वापस, नहीं मिलता इंटरेस्ट। तो ये अब चेंज होके आया है, नाउ दे हैव चेंज्ड इट, फॉर्म ने आ गया PMT 09, ये भर के आप गवर्नमेंट को देना, गवर्नमेंट उस खाते से खाते में डाल देगी और आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये माना जाएगा सेम डेट को आपने राइट अकाउंट में डाला है। तो ये कम से कम 2 साल के बाद जाके अमेंडमेंट हुआ था, तब इसमें और इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो अब जाके लोगों ने कहा कि चलो बच गए, वरना तो कॉमन सी मिस्टेक है भाई, हो भी सकती है, क्या हो गया।
वैसे रियल लाइफ में किसी के साथ ये मिस्टेक हुई है, किसी और के अकाउंट में डाल दिया हो? जबकि रियल लाइफ में हो जाती है, ये मत समझना होती नहीं, आपसे नहीं हुई तो उस केस में आप बैंक में चले जाना, बैंक पता क्या कहेगा, भाई देखो ये अकाउंट नंबर बता दिया हमने, बात कर लो, नहीं देता तो हम क्या करें, पुलिस में FIR लॉन्च कर लो, 6 महीने तो कम से कम चक्कर लगाने पड़े। वो बंदा कहेगा भैया देख तूने गलती से डाल दिए, मुझे कहीं पेमेंट करनी थी, मैं समझा मेरा, मैंने खर्च कर दिए, जब मेरे पास आएगा तो ले लियो, चले जाओ कोर्ट में, कोर्ट कहेगा ठीक है जी मेरे अकाउंट में तो इतनी ट्रांजेक्शन होती है, ये हो गया, मुझे कहा था बिजनेस कर रहा, मैंने पेमेंट कर दी, जब आएगा तो ले लेना, मैं मना कर रहा हूँ, ना वो देगा ना वो मना करेगा। तो ये इसका रेक्टिफिकेशन है। अब पढ़ते हैं देखो उसमें क्या लिखा हुआ, 103 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ट्रांसफर टैक्स और अदर ड्यूज। गौर से कोई चिंता मत करो आप, टैक्स है या अदर ड्यूज है, कर लो ट्रांसफर, कहीं से कहीं ले जाओ, कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लेंगे हम। एज पर 4910 रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द अकाउंट होल्डर ट्रांसफर एनी अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अमाउंट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आपस में जैसे मर्जी कर लो। और अब इसमें एक अमेंडमेंट और भी आ गया, थोड़ा और बेटर आ गया, बी पार्ट में इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का भी ट्रांसफर कर देंगे। क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। फर्दर नो सच ट्रांसफर क्लॉज बी शैल बी अलाउड इफ सच रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी इन हिज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। और ये ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इन ऑर्डर ट्रांसफर द अमाउंट रजिस्टर पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड फिल GST PMT 09। वो फॉर्म भी मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 108 पे आ जाओ, ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भर के सबमिट कर दो, ट्रांसफर हो जाएगा। GST इन लीगल नेम, ट्रेड नेम ही तो ऑटो पॉपुलेटेड है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो आपने एप्लीकेशन डाली है, डिटेल ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, जिस अकाउंट से ट्रांसफर करना है वो अकाउंट लिख दो, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो लिख दो, तो उस अकाउंट से उस अकाउंट में चला जाएगा। देखो अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू, फ्रॉम वाला लिख दो, टू वाला लिख दो, और ट्रांसफर हो जाएगा। पहले इतना रीड कर लो। पहले ये बड़ी मुसीबत थी, अब ये बचाव हो गया, वो तो मिस्टेक कॉमन है, हो ही जाती है। पहले डाउट यहाँ तक ARN होता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, इसको और समझ लो आप। ARN को मैंने एक एप्लीकेशन दी GST डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा भी आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है और आपका 4 दिन का टाइम रहेगा ठीक करने के लिए, और 4 दिन निकल गए। अब मैं रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ, मैं कैसे रिमाइंडर दूँ भाई? जो उन्होंने कहा था मिल गई है एक्नॉलेजमेंट, तो वो रेफरेंस नंबर तो दो, जिस नंबर के बेस पे मैं बताऊंगा कि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था और ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है और मेरा काम नहीं हुआ, इसलिए कोई भी लेटर डाल लो GST डिपार्टमेंट को किसी भी चीज़ का, उसके जाते ही 10 मिनट में उसका ARN आ जाएगा, या तो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आएगा या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगा, कहीं पर TRN लिखा होगा, कहीं पर ARN लिखा होगा। कोई एप्लीकेशन दे दो, विद इन 5 मिनट एक्नॉलेजमेंट आएगा विद नंबर लिखा होगा, इन केस ऑफ एनी फ्यूचर रेफरेंस कोट दिस नंबर। तो ये ARN है, नंबर और डेट बता दो, डेट की जरूरत नहीं होती, नंबर बता दो काफ़ी है, हर एप्लीकेशन का है। मान लो आप ICI को एक लेटर लिखे, तो ICI अगर एक्नॉलेज कर दे भी लेटर रिसीव हो गया, उस पर नंबर नहीं है, और कहा था 5 दिन में काम हो जाए, नहीं हुआ, तो अब दोबारा कैसे लिखें जी आपने एक्नॉलेज किया था? वो कहेंगे कब एक्नॉलेज किया था, किस चीज़ की बात कर रहे हो आप, हमने तो कोई एक्नॉलेज किया ही नहीं, नंबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे जी ये रहा नंबर, एक्नॉलेज किया था आपने। तो इनका हर चीज़ का नंबर है, मेल के ऊपर इमीडिएटली आ जाता है, जैसे हम डालेंगे कोई भी इनके पास एप्लीकेशन, मेल पे इमीडिएटली चेक कर लो, नंबर आ जाएगा, वी हैव रिसीव्ड, दिस इज योर नंबर फॉर रेफरेंस, वो है ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक है, और क्या पूछे, और देख लो,
लीगल नेम ट्रेड नेम, मान लो सुरेश कुमार उसका लीगल नेम है, बिजनेस का नाम उसने कुछ और रख रखा है, तो वो बिजनेस का नाम भी लिखो, अपना नाम लिख दो, ARN एप्लीकेशन नंबर, डेट भी पूछी हुई है, वैसे डेट की जरूरत पड़ती नहीं है, खाली नंबर बता दो तो बहुत है। अब इसमें एक चेंज और आ गया, वो देखो पेज नंबर 103 पर एक टर्म लिखी हुई है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन ये लिखा है ना, वो आगे लिखा हुआ सेक्शन 25.4, 25.5। देखो ये क्या होता है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, वैसे तो मैं ही हूं फिर भी आप अलग मान लो, ये कैसे हुआ? सुना है गाना, दो जिस्म अगर एक जान है हम, तो ये देखिए कैसे, मान लीजिएगा मिस्टर एक्स है, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसके दो बिजनेस हैं दिल्ली में, एक प्रिंसिपल बिजनेस और एक ब्रांच। हमने कहा था ना, मर्जी आपकी दो करवा लो, मर्जी आपकी एक करवा लो, तो एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फिर तो एक है ही है, लेकिन अगर मैं दो करवा लूँ तो अब आप ये बताओ दो है कि ये एक है? ये नज़र आ रहे हैं दो है क्योंकि दो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन परमानेंट अकाउंट नंबर दोनों में सेम है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर कोई चेक करेगा वो कहेगा भाई रजिस्ट्रेशन नंबर तो डिफरेंट है, परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है, पर्सन डिफरेंट है, इनकी आत्मा तो सेम है, तो इनको मैं अलग कहूँ कि सेम कहूँ? तो गवर्नमेंट सेज हो तो तुम सेम, चलो अलग मान लेते हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पे जितने रजिस्ट्रेशन हैं सबको क्या बोला जाता है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। मान लो मेरा दूसरी स्टेट में भी है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर तो सेम ही रहेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर तो दो हो ही नहीं सकते। एक कंपनी की 1000 ब्रांचेज हैं और 1000 रजिस्ट्रेशन है, परमानेंट अकाउंट नंबर सब में सेम मिलेगा, तो वो सब आपस में क्या कहलाएंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब लेट्स सी, मेरे अकाउंट में CGST में मैंने 10 लाख डिपॉजिट किया था कैश लेजर में, जिसमें से 4 लाख तो यूज हो गया, 6 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, और मेरी जो दूसरी ब्रांच है जिसका अलग रजिस्ट्रेशन है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको 6 लाख जमा करना है, उसके पास पैसा है नहीं, उन्होंने मुझे कहा, तो उसे कोई बात नहीं, आप इसमें से चाहो तो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे बस। पहले फैसिलिटी सेम पर्सन के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करने की नहीं थी, फिर सेम में अलाउ किया, अब डीम डिस्टिंक्ट में भी कर दिया, शायद अगले स्टेप में गवर्नमेंट से कोई किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करो हमने क्या लेना है। जैसे किसी फ्रेंड ने बोला यार तेरे पास कैश लेजर में पैसा है एक्स्ट्रा, हाँ है यार मुझे चाहिए दे दे, मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करा देंगे, वो अभी आई नहीं फैसिलिटी, अभी फैसिलिटी आ जाएगी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, तो IGST ट्रांसफ़र हो सकता है, CGST ट्रांसफ़र हो सकता है, स्टेट का GST डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सेम पर्सन के केस में ट्रांसफ़र हो सकता है। प्लस जब आपने ट्रांसफ़र किया 6 लाख, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का आपने 10 लाख देना है और 6 लाख उठा के ट्रांसफ़र कर दो, अगर आपने गवर्नमेंट का कुछ ही पैसा देना उतना पैसा छोड़ के बाकी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कोई लायबिलिटी है उतना छोड़ के बाकी कर सकते हो आप। पूरी बात पढ़ लो एक बार, जो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है ना उसमें देखो सारे टैक्स नहीं लिखे हुए हैं, उसमें इंटीग्रेटेड और सेंट्रल टैक्स लिखा है, और सेम पर्सन के अकाउंट में सारे टैक्स लिखे हुए हैं। फिर डीम डिस्टिंक्ट वाले में कंडीशन है कि अगर आपने गवर्नमेंट का कोई पैसा देना है तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का देना वो छोड़ के अपने डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को अपना पैसा दे दो, पहले हमारी सारी लायबिलिटी क्लियर कर दो, सरप्लस है तो ले जाओ। तो इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है ये वाला ट्रांसफ़र का, पहले तो ट्रांसफ़र अलाउड ही नहीं था, अब ट्रांसफ़र अलाउड है।
हाँ जी बोलो जी, डाउट्स यहाँ तक, जिसको डाउट है बोलिए इतने पार्ट तक, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन किसी को? अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 50 रूल 88B, इफ एनी पर्सन हैज डिलेड पेमेंट ऑफ GST, इंटरेस्ट शैल बी चार्ज 18% पर एनम फ्रॉम द डे सब्सिक्वेंट टू द लास्ट डे बट आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट। 20 तारीख को पेमेंट करना था, 28 तारीख को पेमेंट किया है, तो उसे 20 तारीख की डेट तो छोड़ दो, 21 तारीख से काउंट करो। 21 तारीख से कब तक? जिस दिन पेमेंट दी है, पेमेंट दिया 28 तारीख को, तो कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए, 8 दिन का इंटरेस्ट दे दो। फर्दर इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द अमाउंट थ्रू कैश लेजर, मिस्टर एक्स पेड GST फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 24 ऑन 30/8/24, आउटपुट टैक्स 10 लाख, IT 6 लाख, अमाउंट टू पेड 4 लाख, इन दिस केस इंटरेस्ट शैल बी 4 लाख, 18% 10/365, दिस मच इज द इंटरेस्ट। 1 रुपये के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना, इनकम टैक्स में 10 रुपये था, इसमें 1 रुपया है। अब देखो इसमें ना एक पार्ट नया बीच में आया है, वो ये है, आज है 20 जुलाई, जून का करना है पेमेंट, मेरा आउटपुट टैक्स है 15 लाख, टैक्स क्रेडिट मेरे पास 10 लाख है, तो कितना पेमेंट करना मुझे? 5 लाख, लेकिन मैंने 5 लाख पेमेंट नहीं किया, मैंने पेमेंट किया 28 जुलाई को, कितना? 5 लाख, तो उसे इंटरेस्ट निकालो, कितने अमाउंट पे? गौ से 15 लाख पे, ये पहले था, मुझसे आपकी टैक्स लाइबिलिटीज ये रही। तो हमने कहा जब हम पे करते तो ये एडजस्ट होता ना, कौन से तो कर देते ना पे, किसने मना किया तुम्हें, क्यों नहीं पे किया? आपने 15 लाख का पेमेंट जो था वो डिले किया, 15 लाख पे इंटरेस्ट निकालो। ये 3 साल यही चलता रहा, अब जाके गुरु ने एग्री किया है कि नेट टैक्स देखा जाएगा, इंटरेस्ट आपका नेट टैक्स पे लगेगा, जबकि पहले था आउटपुट टैक्स पे लगेगा, आउटपुट टैक्स पे लगता रहा 3 साल, ये तो अभी अमेंडमेंट आया इसके अंदर, तो अब ये ठीक हो गया कि जो डिफरेंस है उसके ऊपर लगेगा, करेक्ट? तो कैलकुलेट करेंगे आप नेट टैक्स पे करें, पहले ये आउटपुट पे हो रहा था, ग्रॉस पे हो रहा था, उससे अगर आपको बेनिफिट लेना था तो टाइम पे पेमेंट कर देते, क्यों लेट किया, सारे पे दो। फिर जब पब्लिक ने बहुत रिप्रेजेंट किया, एक्सपर्ट ने भी कहा ये बात तो गलत है भाई, डिफरेंस पे रहो, तो जाके गवर्नमेंट अब मानी आठ ही डिफरेंस पे दो, क्यों? जब भी कोई नया एक्ट बनेगा, मान के चलो दुनिया भर की गलतियाँ होगी, इसको ठीक होने में कम से कम 15 साल लगा के चलो, मैंने पहले भी कहा था ये अभी माइनर है, ये अभी बच्चा है, इसको मेजर होने दो, मेजर होने तक आपको पता है बच्चे में बहुत चेंजेस आते हैं, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट हो जाती है, उससे पहले उसकी पर्सनैलिटी ड्यूअल पर्सनैलिटी रहती है, एक खास फ्रेंड मिला उसने कहा तू ऐसे ऐसे किया अगर अच्छा ऐसे करूँगा, उससे फ्रेंडशिप कर, दूसरा मिला उसने कहा नहीं ऐसे नहीं मैं तो ऐसे, अच्छा मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा, फिर देखा किसी बड़े को, अच्छा ऐसे मैं ऐसे करूँगा, पर्सनैलिटी बार बार उसकी बदलती रहती है, जिस भी चीज़ को उसको अच्छा लगता है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो मैच्योर होता है फिर जाके वो कॉन्स्टेंट होना शुरू होता है कि अब मैं ऐसा ही रहूँगा, थोड़ा बहुत चेंज करूँगा। तो एनीवे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको अमेंडमेंट इस कारण से भी इसमें होती है। अच्छा एक बात और सुनिए, इनकम टैक्स, मैंने कहा था इनकम टैक्स में भाई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कंसेप्ट है, तो प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 कौन से एग्जाम के लिए, मई 24 भी, नवंबर 24 भी और जनवरी 25 भी, बदले में आ गया जनवरी 25 सेम। अब 23 जुलाई को बजट आ रहा है और जिस दिन बजट आएगा उस दिन सारे बच्चों के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, सर जो आपने पढ़ाया था ना सारा बदल गया है, सर दोबारा से पढ़ाओगे? क्योंकि हमारा जनवरी 25, भाई जनवरी 25 के लिए ये नहीं है, जनवरी 25 के लिए यही है। कौन सा फाइनेंस एक्ट था? फाइनेंस एक्ट 23। जो फाइनेंस एक्ट 24 आना था वो तो आया ही नहीं, वो तो अब आएगा जब इलेक्शन होते हैं इस साल में, उस साल में बजट नहीं आता, इलेक्शन के बाद आता है। तो ये जो फाइनेंस एक्ट 24 है वो अब आएगा। फाइनेंस एक्ट 24 किसके लिए होता है? मई 25 या कह लो अब सितंबर 25 या कह लो जनवरी 26 इनके लिए, और ये जो आ चुका है वो इनके लिए, यानी आपका 23 जुलाई के बजट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आप 24 जुलाई को क्लास के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करोगे। पार्थ सर ये बता दो, सर वो बता दो, वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया, बदला होगा दुनिया के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए दुनिया वही है,
वो उनके लिए बदला है जिनको अपीयर होना है कब, May 25 है, कोई May 25 वाला कोई नहीं है, September 25। अब एक क्वेश्चन और आएगा, सर मान लो कल को हमारा मूड बदल जाए, भाई January 25 अभी तो मूड है पूरा, दिसंबर एंड में क्या पता मूड बदल जाए, छोड़ यार अगली बार ही देंगे इकट्ठा, मतलब वो मूड बदलने का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जिसे एक स्टूडेंट ने मुझे अभी अपनी मार्कशीट भेजी थी, उसको अपियर होना था November 23 में, वो नहीं अपियर हुआ May 24 में, दोनों ग्रुप निकाले हैं, किसी में भी 75% से कम मार्क्स नहीं है, तो एक ये भी होता सिस्टम, वो तो अच्छी बात है भाई। कुछ बच्चों ने डिसाइड करना किया होता कि मैं तो दोनों ग्रुप ही दूंगा और मैं रैंक छोड़ूंगा नहीं, उसका हितेश अग्रवाल समथिंग लड़के का मैंने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, फेसबुक पे भी शेयर किया है, उसका November 23 था, फिर उसने चेंज कर दिया May 24, और सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही है 75, 80, 85 ऐसे ही है, टेक्स में 82 है, टेक्स में 2, मैंने शायद शेयर किया तो है, आपने देखा नहीं होगा। ऐसे एक लड़का शिवम मिश्रा, उसका सी इंटर में मेरा स्टूडेंट था वो, उसके 83 रेट एक्स में और 19वां 20वां रैंक था, और सी ए फाइनल में टॉप किया है, उसने टॉप किया है। तो इससे एक मैसेज ये भी निकलता है, आप हमेशा मान के चलो जहाँ आप हो यू हैव टू ऐड, तुम्हें और आगे जाना है। फाउंडेशन भी शायद उसने माने सके, उसका 50वां रैंक था फाउंडेशन में, 50वां था और इंटर में 19वां था शायद, उसका फोटो याद है 19वां या 20वां होगा, 20 होगा उसका, यहाँ पहले लगा भी हुआ था फोटो, उतार दिया होगा, ठीक है। और अब फाइनल में AIR 1, तो आप भी मतलब पॉजिटिव रहना और आगे आगे चलते रहना, मान के चलना आप में भी टॉपर बैठे हुए हैं, आप में भी AIR 1 बैठे हुए हैं भाई। वो सब बच्चे भी ऐसे थे क्लास में बैठते थे तब थोड़ा लगते थे टॉपर है, उसे कोई टॉपर हो जाता तब पता लगता अरे ये स्टूडेंट टॉपर है यार, तो वो बाद में पता लगता है। तो एनीवे मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अब 24 तारीख को अगर किसी ने मुझसे कहा कि सर बदल गया है, तो मैं उसको बदल के रख दूंगा फिर, जिसने ये बोला 23 जुलाई के बजट से, वैसे सुन लेना आप नॉलेज के लिए, पर अपने एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ GST, तो GST में भी ये सिस्टम है, नहीं GST में सिस्टम नहीं होता, GST में सीएसफूड कह रही है कि भाई जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके विद इन 6 मंथ जो अमेंडमेंट है वो हम आपसे नहीं पूछेंगे, और 6 महीने से पहले हो चुके वो पूछेंगे। जैसे मान लो पहले जैसे November 24 के हिसाब से बताता हूँ, फिर मैं January के हिसाब से बताऊँगा, तो ये होता था भाई 30 अप्रैल 24 तक जो भी GST का अमेंडमेंट हो चुका वो हम आपसे पूछेंगे। अब ये हो गया January 25, तो 30 जून 24 तक के अमेंडमेंट पूछेंगे, 30 जून 24 तक जो भी अमेंडमेंट हो जाएगा वो पूछा जाएगा, उसके बाद कोई अमेंडमेंट होगा वो नहीं पूछा जाएगा। तो बाई चांस कुछ बच्चे क्या होते हैं जो एग्ज़ाम से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ते, और फालतू की चीज़ें सारी पढ़ते रहेंगे और फालतू की बातें पूछते रहेंगे, ये क्या है वो क्या है वो क्या है। वो बच्चे ले आते हैं क्वेश्चन वो जो जून के बाद का होगा, सर ये नहीं करवाया आपने, तो मैं उनसे पूछूंगा ये कब आया, सर पता नहीं मेरा फ्रेंड कह रहा था आया है, मैं तो फ्रेंड से ये भी पूछ लेता भैया आया कब है, सर ये उसको नहीं पता। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो कोई कहे ये है कहना भैया नोटिफिकेशन की डेट बता दे, अगर 30 जून तक का होगा तो पक्का कवर हो जाएगा, इसके बाद का तो नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 12 जुलाई 30 जून के बाद है ना, GSTR 1 नई स्टेटमेंट आ गई, अभी आपको नहीं पता, पता लग जाएगी। 2-4-5 बच्चे 8-10 क्लास के बताएंगे, सर आपने ना एक स्टेटमेंट नहीं करवाई हमें, कौन सी GSTR 1 कब आई है पता नहीं, तुम्हें किसने कहा मेरे फ्रेंड ने, तुम्हारे फ्रेंड को किसने कहा पता नहीं, एग्जाम में हमारे एप्लीकेबल है पता नहीं, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो पता नहीं, तो GST 1 मतलब ऐसी चीज़ें और काफ़ी आएंगी, वो आप बदल मत करना, मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है 100% करवाऊँगा। लेकिन अब मैंने GSTR 1 बोल दिया तो बता ही देता हूँ क्या चीज़ है, क्योंकि आप भी जानना चाहोगे कि सर सिलेबस वाली छोड़ो आप ये बताओ ना, इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है सिलेबस वाली भी का। देखो वो क्या आ गया, मैंने मंथली स्टेटमेंट भरी GSTR 1 कौन सी तारीख तक भरनी है, जून महीने की कब तक भरनी है, 11 जुलाई 24 मैं रजिस्टर्ड डीलर और ये पार्थ रजिस्टर्ड डीलर,
दस लाख का सामान इसने मुझसे खरीदा था और 10 लाख पे जीएसटी था 20% लगा लो 2 लाख, और मैंने GSTR 1 में इसकी जो सप्लाई थी इसको सप्लाई की थी वो मेरे किसी तरह से गलती से रह गई। और इसने 14 तारीख को देखा, रात को ही मिडनाइट में देख लिया, 13 तारीख की मिडनाइट खत्म होते ही मेरा जो है 2 लाख का क्रेडिट नहीं आया, और रात को 2 बजे ही फ़ोन कर दिया मुझे कि सर वो जो आपसे मैंने सामान खरीदा था, 2 बजे नहीं 12 बजे, 12 बजते 12:05 पे कि मेरा वो GSTR 2B में नहीं आया। तो मैंने कहा यार आ जाएगा, ऐसे क्या रात को फ़ोन करने की क्या जरूरत है, मैं भाग के जा रहा हूँ तो अगले महीने रिपोर्ट कर दूँगा। नहीं अगले महीने नहीं, अभी करो रिपोर्ट, अभी कैसे करूँ, मैंने GSTR 1 भत्व दिया, अगले महीने में कॉलम है ना, याद आया अमेंडमेंट के कॉलम, तो गौन से चलो झगड़ा ख़त्म करो, आप इमीडिएटली GSTR 1 फाइल कर दो। कब तक? 20 तारीख तक आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, उसमें इसको रिपोर्ट कर दीजिए, जो इसमें करेक्शन करनी है करेक्शन एक्सेप्ट कर लिए, यानी सप्लीमेंट्री GSTR 1, इट इज़ ए सप्लीमेंट्री, यहाँ तक आप फाइल कर दीजिएगा, उसके बाद हम उसको GSTR 2B में रिपोर्ट करेंगे एज़ पर द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। उसका पूरा प्रोसीजर भी गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन मैं इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो और बच गए वो अगले महीने की GSTR 1 में जो कॉलम है, वो कॉलम अभी भी हैं, उसमें भी बता सकता हूँ इमीडिएटली। मैं तो कोई बहुत हैवी अमाउंट है तो सप्लीमेंट्री GSTR 1 आ जाएगी, तो जहाँ भी लिखा GSTR 1 साथ में अब आ गया GSTR 1 ने, लेकिन ये GSTR 1 भरने के बाद और 20 तारीख जो पेमेंट की डेट है वहाँ तक इस ड्यूरेशन में फाइल की जा सकती है। तो ऐसे और भी कुछ चेंजेज आए हैं, 12 जुलाई को आए हैं इकट्ठे, तो वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने GST की बात भी क्लियर कर दी, आपको इनकम टैक्स भी क्लियर कर दी। इनकम टैक्स में हिसाब रखना फाइनेंस एक्ट का, फाइनेंस एक्ट 23-24 तो आएगा फाइनेंस एक्ट, और GST में हिसाब रखना 6 महीने का। तो 30 जून के अमेंडमेंट हम कवर करेंगे। कोई नोटिफिकेशन आपको ऐसा नज़र आता है जिसकी डेट 30 जून तक है, नहीं कवर हुआ तो बता सकते हो आप, लेकिन अभी तो कैसे पता लगेगा, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब पता लगेगा आपको कि नहीं, वो आपको जब तक पता लगेगा उससे पहले मैं बता दूंगा कि ये वाला पार्ट और ऐड कर लो, वो ऐड करवा दूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, डाउट पूछो। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है नेट अमाउंट पे, ग्रॉस पे नहीं, पहले ग्रॉस पे होता था। आगे देखो, इफ एनी पर्सन अवेल ITC रॉन्गली, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय हिम, इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर द पीरियड द अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज बाई हिम, फॉर एग्जाम्पल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 24 मिस्टर एक्स हैज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 20 लाख, टैक्स क्रेडिट 22 लाख, आउट ऑफ विच रॉन्गली अवेल्ड इज 10 लाख, हियर डिस्चार्ज इज GST लाइबिलिटी 20/24, इन दिस केस रॉन्गली यूटिलाइज ITC शैल बी 8 लाख बिकॉज करेक्टली अवेल्ड ITC 12 लाख, इफ यू हैज पेड दिस अमाउंट आफ्टर 30 डेज इंटरेस्ट विल बी चार्ज 18% पर अन फॉर 30 डेज ऑन रॉन्गली यूटिलाइज अमाउंट दैट इज 8 लाख। एक बार आप इसको रीड करो, देखो अब इसका एग्जांपल देखो, आउटपुट है मेरा, ये इसी बार से आया, ये नया रूल आया 88B, इस 88B रूल के अंदर है ये सब। मेरा आउटपुट एक्स है सपोज 30 लाख और टैक्स क्रेडिट है 20 लाख और पेमेंट मैंने क्या करना है 10 लाख का, और ये जुलाई महीने का है और ये 20 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, 20/24 को 10 लाख का पेमेंट करना है। 10 लाख का मैं पेमेंट कर दूं बात खत्म होगी, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि ये जो 20 लाख का मेरा टैक्स क्रेडिट है इसमें मैंने 5 लाख का टैक्स क्रेडिट गलत और ले लिया, 25 लाख हो गया, 5 लाख का गलत अवेल कर लिया। गलत अवेल करने से क्या मतलब है, वो ITC का चैप्टर आएगा सेक्शन 16, तो ये जरा अच्छे से बताएगा गलत अवेल का क्या मतलब, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ गलत अवेल कैसे। मेरे 2B में लिखा हुआ था 25 लाख, तो मैंने तो ले लिया 2B में लिखा हुआ है, बट सेक्शन 16 कह रहा है 2B का मतलब ये नहीं कि आप ले लोगे। कुछ बातें ऐसी है जो हमें नहीं पता, जो आपको पता है वो आप चेक करो, अगर वो पूरी नहीं हुई तो टैक्स क्रेडिट नहीं लेना आपको। जैसे पहली बात ये बताओ, ये सामान आपकी फैक्ट्री के अंदर आ गया है,
सामान तो अभी आया नहीं, इनवाइस से आई है, तो उसे फिर नहीं ले सकते आप। हमने तुम्हें 2B में 25 बताया, आप 25 ही लोगे, आप 20 लोगे, क्योंकि सेक्शन 16 कह रहा है सामान का आना जरूरी है आपके पास। चेंज कर दो, सामान तो आ गया, इनवाइस नहीं आया, उनसे इनवाइस का आना भी जरूरी है, फिर भी नहीं ले सकते आप। इनवाइस भी आपके पास आए, सामान भी आपके पास आए, दोनों चीज़ें आ जाएँ, फिर आप ले सकते हो। अब सामान आपके पास आया नहीं आया हमें क्या पता, इनवाइस आई नहीं आई हमें क्या पता, हमने तो GSTR 1 देख के 2B बना दिया आपका। ये तो आपकी ड्यूटी है ना, आप मत लो ना टेस्टेड, छोड़ दो उसको, जब सामान आ जाएगा तब लेना। और अगर आपने ले लिया, ऑडिटर आ गए और चेक किया सामान नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रोंगली अवेल्ड ITC, ये वापस रखवाएंगे 18% इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी अलग लगाएंगे। सामान नहीं आया, इनवाइस नहीं आया, पकड़े गए तो वापस लेंगे हम आपसे। तो ये रोंगली अवेल्ड की बात सेक्शन 16 के बाद ज़्यादा समझ में आती है। प्लस इसमें यह सिस्टम भी है कि इनवाइस भी आ गई, सामान भी आ गया, पेमेंट भी करना है, लेकिन पेमेंट 180 दिन तक कर सकते हो। अगर 180 दिन में पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अगर 180 दिन निकल गए और पेमेंट नहीं किया तो ये रोंगली अवेल्ड की कैटेगरी में चला जाएगा, इसको 180 दिन के बाद वापस करो और विद इंटरेस्ट वापस करो, जिस दिन लिया था वहाँ से लेके आज तक का इंटरेस्ट वापस करो। जैसे मान लो मैंने आज सामान खरीदा क्रेडिट पे, इनवाइस आ गई, सामान आ गया, टेस्टेड ले लिया, ठीक है, लेकिन 6 महीने 180 दिन निकल के पेमेंट नहीं किया तो ये मुझे वापस करना है, विद इंटरेस्ट वापस करना है, तो उसे वापस करना पड़ेगा। ये रोंगली अवेल्ड की कैटेगरी में चला गया। तो ऐसे रोंगली अवेल्ड का पार्ट है सेक्शन 16 में, उससे कनेक्टेड बात हम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट का पार्ट किसी और चैप्टर में है, वो किसी और चैप्टर में है। पहले उसको करें इसको छोड़ दें समझ में नहीं आएगा, पहले इसको करें इसको छोड़ दें समझ में नहीं आएगा, तो दोनों को मिला के डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, पहले थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने ITC 20 अगस्त को मेरे अकाउंट में 2B में 30 लाख का ITC दिखाया, ठीक है, और मेरा आउटपुट टैक्स मान लेता हूँ मैं 5 लाख का है, आउटपुट टैक्स 5 लाख का है 20 अगस्त को, लेकिन सामान मेरे पास बिल्कुल नहीं आया, इनवॉइस भी नहीं आई, तो मुझे तो लेना ही नहीं है ये, लेकिन मैंने ले लिया। और ये 20 अगस्त को क्या किया, 5 लाख का पेमेंट ITC एडजस्ट करके कर दिया, यानी कैश लेजर में कोई पेमेंट नहीं किया, इसमें से एडजस्ट हो गया और ये बैलेंस रह गया मेरा 25 लाख, करेक्ट और नॉट, टेस्टेड था मेरे पास। अब गवर्नमेंट ने डिटेक्ट किया 20 सितंबर को कि भाई इसका सामान की तरह दिखाओ जरा, जी मैंने कहा सामान तो आया नहीं, तो इसकी इनवॉइस कहाँ है, जी इनवॉइस तो है, फिर ले कैसे लिया, रोंगली अवेल्ड, निकालो इंटरेस्ट 30 लाख पे 1 महीने का, 20/8 से 20/9, ठीक है। अब इसको चेंज कर दिया, उससे रोंगली अवेल्ड वो नहीं कहलाएगा जो आपने लिया है, रोंगली अवेल्ड वो कहलाएगा जितना आपने यूटिलाइज किया है, कितना यूटिलाइज किया, 5 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख पे लगेगा, 30 लाख पे नहीं लगेगा। दिस इज द करेक्शन डन बाय द गवर्नमेंट, कि जो आपके पास टोटल टैक्स क्रेडिट है उसमें जब ये बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो जो रोंगली अवेल्ड है उसमें से जितना बैलेंस रिड्यूस हुआ, बेसिकली रोंगली अवेल्ड उसको माना जाएगा। 5 लाख रिड्यूस हुआ है तो 5 लाख को रोंगली अवेल्ड माना जाएगा, 30 लाख, क्योंकि मैंने बेनिफिट तो 5 लाख का ही लिया है, ये तो अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरेस्ट थोड़ा देती है, मालूम मेरे क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा रहेगा। तो रोंगली अवेल्ड 30 नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू द, नहीं ट्रांसफर टू द क्रेडिट लेजर, वो रोंगली कराएगा, रादर अमाउंट यूटिलाइज्ड आउट ऑफ द बैलेंस अवेलेबल शैल बी कंसिडर टू बी रोंगली अवेल्ड, यूटिलाइज्ड को अवेल्ड बोलेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। चेंज कर देता हूँ एग्जाम्पल, मान लो ये 30 लाख है, इसमें से 20 लाख तो मेरा है, सही है, 10 लाख गलत लिया है, और टैक्स लाइबिलिटी थी मेरी 26 लाख की, 26 मैंने यूटिलाइज कर दिया 20 अगस्त को, इसको कर दिया नील, बैलेंस रह गया कितना, 4 लाख। मैंने कहा था 20 मेरा सही है, 10 मेरा रोंगली अवेल्ड है, ये गवर्नमेंट ने डिटेक्ट किया 20 सितंबर को, तो उनसे जितना रोंगली अवेल्ड था 10 लाख, गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख इंटरेस्ट निकालो, लेकिन अब क्या आ गया, 10 लाख नहीं, जितना यूटिलाइज किया है, कितना यूटिलाइज किया, 6 लाख, तो रोंगली अवेल्ड 10 लाख नहीं कहलाएगा, 6 लाख कहलाएगा। और इसका क्वेश्चन इसी बार में हुआ था, इसका क्वेश्चन अब के एग्जाम में आ गया, 4 नंबर का आ गया, सिचुएशन बना दी कि बताइए रोंगली अवेल्ड कितना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, किस रेट पे कब से कब तक निकलेगा। तो जिस दिन इसको यूटिलाइज किया 20 अगस्त को, और जिस दिन ये डिटेक्ट हुआ,
यानी जिस दिन हम वापस करें गवर्नमेंट को, उस पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा, तो रोंगली यूटिलाइज 10 नहीं 6 का हम पेमेंट कर देंगे, 4 हमारा ये है, 4 ये और 6 एक्चुअल पेमेंट करके 10 गवर्नमेंट को पेमेंट दे देंगे, 6 लाख हम कैश लेजर में डालेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे जी 6 तो कैश लेजर में डाल दिया, 4 ये है इसको नील कर लो, 4 यहाँ से ले लो, 6 हमसे, 10 आपका पूरा हो गया, इंटरेस्ट हम 10 पे नहीं देंगे 6 पे देंगे। ये रूल 88B है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये अब की बारी आया था, अब की बारी एग्जाम में था, 4 नंबर का इसका क्वेश्चन था पूरा, तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर या नहीं। अब एक बार द्वार गेट करके देखो, देखो इस एग्जाम्पल में जो बुक में है 22 लाख का बैलेंस है, 10 लाख हमारा रोंगली अवेल्ड है, आउटपुट हमारा 20 लाख है, तो 12 लाख तो समझो हमारा अपना ही है, जेन्युइन है, जब हमने 20 का पेमेंट किया तो 8 लाख यूटिलाइज हमने 8 लाख किया, रोंगली अवेल्ड 10 लाख था, पहले इंटरेस्ट 10 पे लगता था, अब इंटरेस्ट 8 लाख पे लगेगा, जिस दिन हमने इसको यूज़ किया और जिस दिन हमने इसको वापस किया डिफरेंस के ऊपर लग जाएगा। हाँ जी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब रोंगली अवेल्ड वो नहीं है जितना हमारे क्रेडिट लेजर में आया, रोंगली अवेल्ड वो है जितना इसमें से हमने यूटिलाइज किया। मान लो हमारा भी है और रोंगली वाला भी है, तो पहले कौन सा यूज हुआ, उनसे पहले आपके वाला यूज हुआ, जैसे हमने 20 यूज़ किया, 12 तो हमारा था, उनसे ये मान लेंगे 12 तो आपका यूज हुआ है, उसके बाद जो भी यूज हुआ है वो रोंगली यूज हुआ है, तो रोंगली वाले में से 8 यूज हुआ है, 10 नहीं, तो 8 पे इंटरेस्ट देना। सेम क्वेश्चन एग्जाम में था आपकी बार, किसमें आप बताइए रोंगली कितना माना जाएगा, इंटरेस्ट क्या रेट लगेगा और इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा, जिस दिन हमने यूटिलाइज किया वहाँ से और जिस दिन हम पे करेंगे गवर्नमेंट को वहाँ तक, उस पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इज दैट राइट? डाउट देख लो यहाँ तक। चलो अब करते हैं ब्रेक। हाई प्लीज पेज नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया ना, सेक्शन 50 रूल 88B। रूल 88B ये नया रूल आया है, पहले जितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस आ जाता था उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब उसमें नहीं देना, उसमें से जितना यूज़ किया, और हमारा जेन्युइन भी है और रोंगली भी है, तो पहले माना जाएगा जेन्युइन वाला यूटिलाइज हुआ है, फिर माना जाएगा रोंगली वाला, तो जितना बैलेंस रोंगली वाले का डाउन होगा उतने भी इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था लायबिलिटी लेजर, बता दिया था ना, वही लिखा हुआ है यहाँ, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर शुड बी मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल, फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी रजिस्टर। देखो मैंने कहा था ये लेजर है, लेकिन रूल में कहीं कहीं वर्ड रजिस्टर लिख दिया, कहीं कहीं लेजर लिख दिया, लेकिन समझना आप लेजर ही, भाई रजिस्टर में तो आम वो होता है, लेजर के अंदर पूरे कॉलम होता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस सब कुछ होता है, तो ये कहीं कहीं उन्होंने रूल में रजिस्टर लिख दिया, लेकिन है ये लेजर, शैल मेंटेन द कॉमन पोर्टल एंड लाइब्रेरी पे GST शैल बी डेबिटेड टू दिस लेजर। डेबिट इसलिए कि लाइब्रेरी ये हमारी है, डिपार्टमेंट का ये एसेट है, कहाँ से एंट्री आएंगी, GSTR 1 से आएंगी, क्योंकि सारा आउटपुट रिपोर्ट होता है GSTR 1 में, और अब इसके साथ GSTR 1A भी आ जाएगी,
वन के बाद अगर वन ए फाइल कर दिया है तो वो भी आ जाएगी। सच लाइबिलिटी शैल बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो तो उसमें से पे कर देना, वरना फिर कैश लेजर से पे कर देना। द अमाउंट पेबल रिवर्स चार्ज और द अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10, एनी अमाउंट पेबल टूवर्ड इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका मीनिंग थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। एबीसीमेंट बैलेंस ऑफ 10 लाख इन क्रेडिट लेजर एंड कंपनी एस्टू इंटरेस्ट पेनल्टी 50,000, इन दिस केस इट कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम क्रेडिट लेजर, इट हैज़ टू पेड इन कैश। एबीसी लिमिटेड हैज़ टेकन सर्विसेज फ्रॉम एक्सपायर लिमिटेड 10 लाख प्लस GST 1 लाख पर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। एबीसी लिमिटेड हैज़ बैलेंस इन क्रेडिट लेजर 10 लाख, इन दिस केस एबीसी लिमिटेड हैज़ टू पे 1 लाख इन कैश एंड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम बैलेंस द क्रेडिट लेजर बिकॉज इट इज इनपुट टैक्स। ABC Limited shall be allowed ITC of 1 lakh and balance in credit ledger shall be 11 lakh. ITC can be restricted payment. Roughly इतना read कर लो, मैं example देकर बताता हूँ आपको क्या मिलेगा इसका। देखिए मेरे credit ledger में balance है, credit में 5 lakh का। Liability ledger ये कह रहा है tax pay करना आपको 1 lakh का, इंटरेस्ट भी पे करना आपको 20,000 का। तो क्या मैं 120 इसके थ्रू पे कर सकता हूँ कि नहीं? भाई मुझे 120 देना है, 5 लाख लेना भी तो है, क्रेडिट लेजर मीन्स लेना है। तो मैंने कहा भाई 120 इसमें से कम कर लो, बस पेमेंट हो गया, बैलेंस निकाल के दिखा दो। बैलेंस कितना? 380, करेक्ट और नॉट? तो उसे देखो, टैक्स तो आप इसके थ्रू पे कर सकते हो, इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन वो इसके थ्रू पे नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्रेडिट किसका मिला आपको? टैक्स का। ये क्रेडिट पेनल्टी का नहीं मिलता, क्रेडिट इंटरेस्ट का नहीं मिलता, ये क्रेडिट मिलता है टैक्स का। तो टैक्स पे कर सकते हो। अगर कोई आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी है वो इसके थ्रू नहीं, वो तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। एक बात तो ये आ रही है। अब मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, कंपोजिशन डीलर को तो टैक्स क्रेडिट मिलता ही नहीं है, उसका बैलेंस कहाँ से आया? उसको तो जो पेमेंट करनी है कैश में करनी है। तो लिखा है अगर कंपोजिशन डीलर हो तो टैक्स क्रेडिट से कुछ एडजस्ट नहीं करने देंगे आपको। पहली बात तो होगा ही नहीं, करने क्या नहीं देंगे, वो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं सेंटेंस को रीड करवाता हूँ जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। एनी अमाउंट पेबल रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज भी बताऊँगा आपको। अमाउंट पेबल अंडर 10, सेक्शन 10 में क्या था? कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन वालों, तुम्हारा तो टेस्ट रेट होता ही नहीं है, तुम्हारा किस बात का पेमेंट? कैश में देना। वट अबाउट इंटरेस्ट पेनल्टी कौन से? वो भी कैश में देना, कैट से न्यू का। रिवर्स चार्ज की बात अभी बताता हूँ, एक बार वो रीड कर लो। देखो रिवर्स चार्ज का मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको। एबीसी लिमिटेड, नहीं रिवर्स चार्ज तो बताया था, लेकिन रिवर्स चार्ज की ये क्या बात कह रहा है ये बात अभी बता दूँ। ABC लिमिटेड के क्रेडिट लेजर में 10 लाख का बैलेंस है। ABC लिमिटेड ने सर्विसेज इंपोर्ट की इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करने पे लगेगा रिवर्स चार्ज। लेकिन अगर वो सर्विसेज OIDAR हैं और आप अनरजिस्टर्ड हैं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वो खुद टैक्स लेके गवर्नमेंट को देंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बेंगलोर में, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और अगर रजिस्टर्ड को दिया तो फिर वंस अगेन रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ये तो बात एक्स्ट्रा है, वैसे बीच में मैंने डाल दी OIDAR रिवाइज कराने के लिए। ABC लिमिटेड इंडिया के बाहर से सर्विसेज ली, उसके ऊपर टैक्स 1 लाख का है, रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है। तो कंपनी कह रही है 10 लाख गवर्नमेंट हमने तुमसे लेना है, 1 लाख देना, कर लो ना एडजस्ट, बैलेंस रहेगा 9 लाख। ये गवर्नमेंट कह रही है नहीं करने देंगे, ये 1 लाख कैश पेमेंट करो, 1 लाख कैश पेमेंट करो, ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी, इसका भी टेस्टेड ले लो, टेस्टेड 1 लाख जोड़ के 11 लाख, फिर कोई और आउटपुट होगा तो रजिस्टर कर लेना। दोबारा सुन लीजिए पूरी बात। मेरे पास 10 लाख का क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, सर्विसेज मैंने इंपोर्ट की, उसमें टैक्स मेरा 1 लाख का जो देना रिवर्स चार्ज में, तो 1 मुझे देना है, 10 मुझे लेना है, हो गया ना एडजस्ट, बाकी 9 रह गया। आप बताओ ठीक है कि गलत? 1 लाख मैंने पार्थ को देना है, 10 लाख इसे लेना है, मुझसे 1 लाख मांग रहा है। 1 लाख किस बात का मांग रहा है? जो तूने 10 देना है उसमें से 1 माइनस कर ले, तूने मुझे 9 देना है। कह रहा नहीं नहीं वो तो अलग है, तू अपना 1 मुझे दो।
तो गवर्नमेंट कह रही है वो तो अलग है, एक मुझे दो, तो क्यों दो उसका रीजन है। गोमसे टैक्स क्रेडिट एडजस्ट होता आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, ये आउटपुट नहीं है इनपुट है, आपने सर्विस ली है ये टैक्स आपका इनपुट है, वो टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए रखा गया है। इनपुट टैक्स हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट इन एनी केस, क्योंकि अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता तब भी तो 1 लाख का पेमेंट करते, मान लो रिवर्स चार्ज नहीं है तब भी तो देना पड़ता उसे, तब भी तो जाता। इनपुट टैक्स का एडजस्टमेंट इससे नहीं होता, आउटपुट टैक्स है तो वो एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए आपको इनपुट हमें देना पड़ेगा। और जब आप 1 लाख इनपुट हमें दोगे कैश लेजर के थ्रू देना पड़ेगा कैश में, तो उसका भी तो टैक्स क्रेडिट हम आपको दे देंगे, मना थोड़ा कर रहे हैं। मैं इनपुट टैक्स किसी को भी दूंगा, मैं टैक्स क्रेडिट लूँगा, कौन से ले लो इसका भी टैक्स क्रेडिट। ये 11 लाख हो गया, अब कोई और नया आउटपुट टैक्स आएगा तब एडजस्ट कर लिया, नहीं बात तो घूम फिर के वही है, लेकिन प्रिंसिपली इनपुट टैक्स टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट नहीं हो सकता। यानी नेट इफेक्ट क्या आया, अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए डिस्कस वेदर इनपुट टैक्स कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम टैक्स क्रेडिट और नॉट, तो आप कहेंगे नो इनपुट टैक्स कैन नेवर बी एडजस्टेड, देन व्हाट इज द प्रोसीजर, इनपुट टैक्स हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट थ्रू कैश लेजर अगर रिवर्स चार्ज का केस है, एंड देन वी कैन टेक साइमल्टेनियसली टैक्स क्रेडिट कैन ऑल्सो बी टेकन, इट कैन बी यूज सब्सिक्वेंटली अगेंस्ट एनी आउटपुट टैक्स। जबकि बात घूम फिर के वही बनेगी, 1 लाख ज़्यादा दे दिया, 1 लाख का टैक्स क्रेडिट और बढ़ गया, उसे बात तो वही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात प्रिंसिपल की है कि आप इनपुट टैक्स को टैक्स क्रेडिट एडजस्ट नहीं कर सकते, असली बात ये है। इससे कौन सा एडजस्ट होता है, आउटपुट टैक्स। अगर मैं सर्विस ले रहा हूँ किसी से, उस पर रिवर्स चार्ज है, वो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज नहीं होता तो भी तो मैं उसको देता, वो गवर्नमेंट को देता, मैंने उसको पे किया, फिर मैं उसके ऊपर ITC ले लेता, तो मुझसे वही प्रोसीजर आएगा, आप हमें डायरेक्ट दे के ITC ले लो। तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, PMT 06 चालान फॉर्म भर के डायरेक्ट जाएगा पेमेंट गवर्नमेंट को, और ये टैक्स मिल जाएगा, ये लिखा है, आराम से रीड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन आप रीड कर लो आराम से। मतलब अगर इनपुट टैक्स है, ये टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है उससे एडजस्ट नहीं हो सकता, ये तो अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर इसका भी टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, फिर कोई और आउटपुट टैक्स होगा तो उसे यूज़ कर लो, बात कुछ नहीं है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, अमाउंट के हिसाब से तो वही रहेगा, लेकिन टैक्स क्रेडिट कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट विच टैक्स, आउटपुट टैक्स, इट कैन नेवर बी यूज अगेंस्ट इनपुट टैक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है, डाउट इसको पूछ लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर हमें पता है क्या होता है, 2B के बेस पे एंट्री होती है, लेट्स सी, एवरी क्रेडिट लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन्ड फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन द कॉमन पोर्टल, इनपुट एस्टेड अवेलेबल टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर 2B शैल बी क्रेडिटेड टू दिस लेजर, रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूटिलाइज सच क्रेडिट एज प्रोविजन सेक्शन 49(5), बट इट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट अदर ड्यूज, ये बात ऊपर भी थी, अदर ड्यूज में यूज़ नहीं होगा, फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज का टैक्स पे करना उसमें भी यूज़ नहीं होगा, ये बात भी ऊपर थी, द बैलेंस अवेलेबल इन दिस क्रेडिट लेजर कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, हाँ इसका कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा अनलिमिटेड पीरियड, रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड सिर्फ 2 केस में मिलता है, एक तो हमने कहा था एक्सपोर्ट में और एक होता है इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, 2 केस में रिफंड मिलता है, एक 0 रेटेड सप्लाई में और एक इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, दैट इज इनपुट्स का रेट हायर है और आउटपुट का रेट कम है, ये सेक्शन 54 है जो कि वैसे सिलेबस में नहीं है, बट वी मस्ट नो 2 केस में रिवर्स ये रिफंड मिल जाता है। चलो इतना आप रीड करके डाउट पूछ लीजिए।
हाँ जी बोलिए, डाउट क्या था? चार नंबर का नोट आ सकता है लायबिलिटी लेजर पर, क्रेडिट लेजर पर, कैश लेजर पर, तीन लेजर के थ्रू सारा हिसाब किताब है। जिसको डाउट है बोलिए। ठीक है, दैट राइट? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आगे देखिए पेज 104, क्वेश्चन नंबर 7। हु कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन इनपुट एज क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कैन रेस्ट्रिक्शन बी इम्पोज अंडर सीजीएसटी रूल्स 17, कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल 86A। द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाई हिम इन दिस बिहाफ नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट एज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली रिवील्ड और इज इन एलिजिबल कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन द फॉलोइंग केसेस। द पर्सन अवेलिंग ITC डू नॉट पोजेस टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट। द पर्सन अवेलिंग ITC हैज अवेल्ड ITC विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट। टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय पर्सन हु इज नॉन एग्जिस्टेंस और इज नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस टू बिजनेस। रजिस्टर्ड पर्सन हैज अवेल्ड ITC इज नॉन एग्जिस्टेंट और इज नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस। द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम मे विड्रॉ द ऑर्डर्स पास्ड बाय हिम इन केस ही फाइंड इट टू बी बोनाफाइड। इफ नोट इज टेकन विद इन 1 ईयर रेस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट। रफली रीड करके देखो। देखो अब इसका मीनिंग, GSTR 1 आती है उसमें सेलर ने ये कहा है कि उसने बायर को सामान बेचा है 500 लाख का, इसका 20% GST है, कितना? 100 लाख, करेक्ट, 1 करोड़। और बायर के 2B में 1 करोड़ आ जाता है और ये इसका ITC ले लेता है। रियलिटी में सामान इसके पास आया ही नहीं है, इनवॉइस इसके पास आई नहीं है। अब ये सामान नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया, इसका क्या मतलब है? इसका भी मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गवर्नमेंट को किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि जी इनके क्रेडिट लेजर के अंदर 1 करोड़ का अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ना सामान आया ना इनवॉइस आई, इसको पूछो क्या गड़बड़ है। तो डिपार्टमेंट ने इनको लेटर लिखा, लेटर में टाइम देना पड़ेगा जवाब देने का, मान लो 20 दिन का जवाब का टाइम दिया, तब तक उसने उठा के इसको यूटिलाइज करके यूज़ कर लिया, उसके बाद जवाब देने लगे, फिर वहाँ से लेटर आया, फिर यहाँ से लेटर आया, 6 महीने निकल गए। सरकारी काम में यही होता है, 6 महीने के बाद डिपार्टमेंट ने कहा तुमने गलत अवेल किया है, वापस करो। अब ये बंदा कह रहा जी मेरे पास नहीं है, वापस कर दूंगा। सालों साल इसके चक्कर काटते रहो, लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मैटर कोर्ट में चला जाएगा, दसियों साल ये कोर्ट में खिसकता रहेगा, उससे जो हमने रिकवरी करनी है 1 करोड़ की होगी नहीं। तो एक काम करो, नया रूल लाओ, ये नया रूल आया 86A, उसे इसको ऐसा करो, इस जो क्रेडिट है एकदम से इसको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करके पूछो इनवॉइस किधर है, ये किधर है, वो किधर है, यूज़ मत करने दो इसको। अगर इसको मौका दिया, चोर को मौका दे कि तेरे पास 10 लाख का सामान है, हमें लगता है तूने चोरी की है, वो ले के 10 लाख का सामान गायब हो जाएगा, वो कहेगा ढूंढते रहो उसको, पहले सामान को पकड़ो अपने कब्जे में करो। रीड का पर्पज यही होता है, रीड करते हैं सब कुछ अपने कब्जे में, फिर पूछते हैं बता भाई कैसे। तो 86A कह रहा है हमें जहाँ पे डाउट लगा इस तरह की कोई बात है, हम इसको एकदम से ब्लॉक कर देंगे, यूज़ नहीं करने देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे, आप प्रॉपर बता दोगे तो हम ब्लॉक हटा देंगे, नहीं बताओगे तो ब्लॉक तो लगा ही हुआ है। और हमने इसको ब्लॉक कर दिया, 1 साल हो गया हम आपको जवाब ही नहीं दे रहे, तो 1 साल के बाद ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन रफली आप एक बार और रीड करो, फिर मैं आपको और बात बताता हूँ इसके अंदर और पार्ट क्या है।
अच्छा बताओ, आपने ये सुना है कि जीएसटी में फेक इनवॉइसेस का सिस्टम है? कितने स्टूडेंट ने सुना है? देखो पूरी क्लास में सुना है, ये वही पार्ट है, द सेम थिंग। सामान आया नहीं, इनवॉइस आई नहीं, तो ये फिर क्या बना, ये फेक? या ये कह लो सामान नहीं गया, खाली इनवॉइस आई, फेक इनवॉइस। वो पहले कैसे होती है बताता हूँ आपको, फिर बात करेंगे। फेक इनवॉइस, सामान नहीं है खाली इनवॉइस है, वो कैसे है? देखो आप, मेरी फैक्ट्री है, इसमें मैंने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा 500 लाख का, 20% का जीएसटी दिया, कितना 100 लाख का। और जो प्रोडक्ट बनाया वो लोगों ने खरीदा ही नहीं, सबके बिजनेस थोड़ा चलते हैं, आधे लोग लॉस में जाते हैं, फैक्ट्री को बंद करते हैं। अब ये प्रोडक्ट बना तो मैंने लिया, खरीद कोई नहीं रहा। मैंने कहा यार कोई खरीद लो, ले जाओ भाई 50 लाख में ले जाओ, और क्या करूँ, बिकी नहीं रहा, कुछ तो मिल जाए, 50 लाख में दे दिया। और सपोज 20% इसका जीएसटी है, 20% कितना बना, 10 लाख। आउटपुट 10 लाख और आईटीसी कितना, 100 लाख। तो 10 लाख एडजस्ट करके 90 लाख का आईटीसी बच गया। बोलो इसका क्या करूँ, गौर से रिफंड तो हम देंगे नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर लो। कैरी फॉरवर्ड क्या कर लूँ, मैं तो फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड किस बात का, क्या करूँगा कैरी फॉरवर्ड करके। अब एक कोर सेलर है, उसका काम ज़बरदस्त चल रहा है, उसका आउटपुट एक्स आ रहा है 500 लाख, 600 लाख। उसने अप्रोच किया, उसने कहा तू एक काम करना, खाली इनवॉइस बना के मुझे दे दे, उस इनवॉइस में सेल दिखा दे 450 लाख का, 20% का ITC, ये GST लगा ले 90 लाख, और तू मुझे खाली इनवॉइस दे दे, फेक इनवॉइस सामान तो है ही नहीं, और मैं उस इनवॉइस के बेस पे ITC ले लूँगा, 90 लाख रुपये मेरे काम आ जाएगा, इसको आउटपुट से कर दूँगा एडजस्ट, 90 में से 45 लाख तुझे दे दूँगा, 10 लाख तू ले ले, 20 लाख तू ले, आप उसके एडजस्टमेंट। ये है फेक इनवॉइस। अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये सामान तो इसने खरीदा ही नहीं, और P&L के अंदर 450 लाख और डेबिट करके इनकम को 450 लाख से रिड्यूस कर देंगे, इसका 30% इनकम टैक्स और बचा लेंगे, एक्सपेंडिचर बन गया ना, तो इधर से इनकम टैक्स को रिड्यूस कर लेंगे, फेक एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर, इधर से GST ले जाएंगे। गौसे अब इसको बताओ कैसे रोकें। तो ये किसी थर्ड पर्सन ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि इनके पास सामान नहीं आया, खाली इनवॉइस आई है, फेक इनवॉइस है। गवर्नमेंट ने कहा जब तक हम जाएंगे चेकिंग करेंगे पूछेंगे तब तक तो सारा यूटिलाइज कर देगा, पहले इसको ब्लॉक कर लो, ब्लॉक करके पूछो भैया सामान किधर है, GST ऑफिसर आ रहा दिखा सामान का है, सामान तो है ही नहीं, पकड़ा जाएगा। ये फेक इनवॉइस का इतना कॉमन सिस्टम है कि पूछो मत। ये तो फिर भी मैंने कुछ ठीक एग्जाम्पल लिया, अब और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बंदे ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया GST में, ठीक है, एड्रेस दे दिया झुग्गी झोपड़ी का जहाँ वो रहता ही नहीं है, जैसे रजिस्ट्रेशन करा लिया और दुकान खोल के बैठा है, जिसको इनवॉइस चाहिए मेरे से ले लो, उसी को इनवॉइस इशू कर देता है 500 लाख की, 400 लाख की, 300 की, तू ITC ले ले, तू ITC ले ले, तू ITC ले ले। वो कह रहा है GST मैं वन भरूंगा ही नहीं, मेरे बारे में क्या पता। और पहले क्या सिस्टम था कि ये सेल्फ असेसमेंट थी, अपने आप टेस्टेड लेना होता था, अपने आप रिपोर्ट कर देते मेरी इनवर्ट सप्लाई ये है, उन दिनों ये ज़्यादा होता था, अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी रोक दिया इसको, और अपने बेसिस पे वो बंदा अपने आप ही डिक्लेरेशन करके GST 2-3 में डिक्लेयर करके टेस्टेड ले लेगा, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट का हमने सोचा ही नहीं कि लोग ऐसा काम भी कर सकते हैं। मुंबई के अंदर 990 लाख के इनवॉइस इशू हुए, डिपार्टमेंट को पता लगा, इंक्वायरी करने लगे, तो कोई कंपनी थी जिसने इशू किया है, और जो हेड ऑफिस था कंपनी का एड्रेस दिया था, वहाँ जब गए तो वहाँ झुग्गी झोपड़ी थी, लोगों से पूछा, उसने कहा यहाँ कौन सी कंपनी है, तो कुछ नहीं, तो कंपनी बना ली, एड्रेस झूठा देके कैसे बन गई है। तो ऐसे ऐसे भी सब कुछ होता है, इसीलिए बार बार कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आ रहा है इसमें। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पहले था जिसको रजिस्ट्रेशन लेना ले लो, अब गवर्नमेंट का भूल जाओ, नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे, जैसे आधार कार्ड बनता है ऐसे बनेगा। ये 12 जुलाई को इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, सारे इंडिया के अंदर सेंटर खोल दिए हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है तुम है कौन, वहाँ पहुँच, वहाँ जाके तेरे बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेंगे, फिर तेरा प्लेस ऑफ बिजनेस GST ऑफिसर विजिट करेगा, जाके देखेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड तो है ही, यानी रजिस्ट्रेशन मिलना आसान काम नहीं है इस झूठी इनवॉइस को रोकने के लिए। तो अब तो मतलब आगे 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 स्टेप आ रहे हैं, बीच में ये रूल आया था, एक बार सबसे पहले क्या करो, टेस्ट रेड को ब्लॉक कर लो। जिस रेड में क्या होता है, पर्सन के घर में 1000 लाख का कैश रखा हुआ है, 10 करोड़ 20 करोड़, पहले डिपार्टमेंट वो अपने कब्जे में करेगा,
सील करके ले जाएगा। रेड मूवी में देखा होगा बक्से भर भर के, पूरी गाड़ी भर के, वो बाद में कहते हैं आ जा भाई, बता भाई कहाँ से आया। उसको पहले लेटर भेज दो, हमें पता लगा है तुम्हारे घर में 100 करोड़ है, बताओ कहाँ से आया, बंदा गायब कर देगा। तो ये उसी तरह का पार्ट है, पहले से कब्जे में कर लो। फेक इन्वाइस अब बहुत बहुत कम हो गई है, पहले से बड़ा ओपन था किससे फेक इन्वाइस ले लो। तो ये सारा पार्ट वो ये असली टारगेट क्या है, फेक इन्वाइस। और इसी को रोकने के लिए ई वे बिल आया। ई वे बिल का नाम आपने सुना होगा, ई वे बिल का मेन पर्पज़ यही है। ई वे बिल का थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ आपको, ई वे बिल की। अब इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये हेरा फेरी नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट सेज अगर आपने सामान बेचा है तो सामान ट्रक से जाएगा भी तो सही, कैसे जाएगा सामान? आपको जब इनवाइस बनाएंगे सामान भेजने से पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात करनी है, और वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा EWB-1, उसमें ट्रक का नंबर डालना पड़ेगा और सारे पर्टिकुलर, और वो अलग से डिपार्टमेंट की साइट है ई वे बिल को लेकर, उसमें अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ से ई वे बिल नंबर मिलेगा, नंबर मिलने के बाद आपका ट्रक चलेगा। अब मान लो ट्रक में सामान लोड ही नहीं किया तो वो भरें कैसे? मान लो भर दे, ट्रक लोड ही नहीं किया, वो नंबर जनरेट होने के बाद उसका पूरा रूट जो है ट्रक का, उसको रास्ते में कहीं भी रोक सकते हैं। मान लो उसको रोक लिया, कहेंगे भाई ये तुम्हारा ई वे बिल नंबर है, दिखाओ सामान की तरह, सामान तो है ही नहीं। ट्रक समेत, ड्राइवर समेत सब पुलिस स्टेशन जाएंगे, ट्रक भी कॉन्फिस्केट होगा, पूरा एक्शन हो जाएगा। तो यानी इस बंदे को डर लगता रहेगा, ट्रक तो खाली है, इन्फॉर्म कर दिया जी ट्रक भरा है, ये सामान है वगैरह वगैरह। तो ई वे बिल भी इसी का पार्ट है। और ये बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने वाली डेट 12 जुलाई की डेट से पूरे, पहले सिर्फ गुजरात में लागू किया था और पौंडीचेरी में एक्सपेरिमेंट, साल भर एक्सपेरिमेंट कर लिया, गोम से अब ठीक हो गया। अब पूरे इंडिया के अंदर आपको बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने पड़ेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका प्लेस ऑफ बिजनेस की भी हम चेकिंग करेंगे, ताकि सिर्फ जेन्युइन पोर्ट पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि इनवॉइस तो रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता, अनरजिस्टर्ड तो कर नहीं सकता। जरा ई वे बिल का फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, कौन सा फॉर्म है वो पहले भरना पड़ेगा, उसके बिना गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता। गुड्स का मूवमेंट बाद में, ट्रक का नंबर पहले, मुझे पहले ट्रक का नंबर बताओ कौन से ट्रक से सामान जाएगा। अब ट्रक का नंबर बताओ कैसे दे जब ट्रक में सामान ही नहीं है। देखो पेज नंबर 273 पे आओ, ये फॉर्म भर के ई वे बिल बनवाना है। ट्रक की मूवमेंट से पहले फिल दिस फॉर्म ऑनलाइन, रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट, गेट ए नंबर, देन स्टार्ट द मूवमेंट। रास्ते में चेकिंग कहीं भी कर लेंगे, GST ऑफिसर रास्ते में जो मिलेगा वो नंबर पूछेगा, नंबर बताने पर उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखो ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट, किसने जनरेट किया, कौन सी डेट को बना, कब तक ये वैलिड है, लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर सामान पहुँच जाना चाहिए, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो मैंशन कर देगा अनरजिस्टर्ड पर्सन, कहाँ से डिस्पैच हुआ, जिसका उसके पास सामान जाना उसका बताओ, किस सामान प्लेस पे जाएगा वो बताओ, इनवॉइस का नंबर बता दो, उसमें सारी कहानी आ जाएगी। इनवॉइस में पूरी डिटेल लिखी होगी सामान की, डॉक्यूमेंट की डेट, इनवॉइस की डेट, कितनी वैल्यू की गुड्स हैं, जो गुड्स हैं उसका HSN कोड भी बता दो, आप इसे क्यों भेज रहे हो, स्टॉक ट्रांसफ़र है या एक्चुअल सेल है, व्हीकल का नंबर बताओ, ट्रांसपोर्ट नंबर, जैसे जो ट्रांसपोर्टर जो है डॉक्यूमेंट इशू करता है, लोरी रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, एयरवे बिल, उसका नंबर बताओ। ये सब बताने के बाद ई वे बिल नंबर मिलेगा, फिर मूवमेंट होगी। रास्ते में रोक के पूछेंगे खाली ई वे बिल नंबर बता दो, तो इनवॉइस के पर्टिकुलर आएंगे, इनवॉइस में डिटेल दे रखिए क्या सामान है, वो सामान चेक करेंगे ट्रक में है कि नहीं, एक बार रीड करके देखो।
हाँ जी बताइए डाउट्स, वापस उसी क्वेश्चन में, रूल 86 ए, हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे आपके ऊपर, जो आपके पास टोटल क्रेडिट है उसमें से इतना क्रेडिट आपको यूज़ नहीं करना। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें डाउट है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है, यानी खाली सामान होगा, या हमें डाउट है सामान तो है इनवॉइस नहीं है, या जो आपका सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, या जिसने इनवॉइस इशू किया वो पर्सन है ही नहीं, जो एड्रेस दिया उस पर भी नहीं है, फिक्टिशियस कोई पर्सन है जो इशू करके चला गया, या जो ITC अवेल कर रहा है वो खुद ही फिक्टिशियस है, या बिजनेस ही कंडक्ट नहीं कर रहा, इनमें से कोई भी कारण हो, जहाँ भी हमें पता लगेगा, द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम वी विड्रॉ द मनी ऑर्डर पास बाय हिम इन फाइल, आप रिप्लाई दे दोगे, सब कुछ ठीक निकलेगा, हम अपने ऑर्डर विड्रॉ कर लेंगे। अगर एक साल निकल गया तो हम आपको हाँ ना कुछ नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली ऑर्डर ख़त्म हो जाएंगे। और एक बार रीड कर लो, जो सबसे पहले पैराग्राफ है, कमिश्नर और एन ऑफिसर, उसे पावर हम हर किसी को नहीं दे सकते, कोई ऑफिसर किसी को परेशान करने के लिए भी ज़बरदस्ती रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उससे ब्राइब मांगेगा नहीं देगा, रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, तो ये पावर हम कमिश्नर को ही देंगे। कमिश्नर किसी और को अथोराइज कर दे तो दूसरी बात है, कमिश्नर ने कहा मैं बिजी हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर को अथॉरिटी दे रहा हूँ, तो दूसरी बात है, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव, अंडरलाइन कर लो रीजन टू बिलीव, ये रीजन टू बिलीव शायद मैंने इनकम टैक्स में भी आपको बताया था क्या होता है रीजन टू बिलीव, अब बताओ रीजन टू बिलीव क्या होता है, ये मैंने इनकम टैक्स में बताया था आपको, एनीवन हु कैन टेल मी रीजन टू बिलीव क्या होता है, सर्च कैन बी कंडक्टेड अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 132 इफ द ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव कई जगह बात हुई है, वन पर्सन हू कैन टेल मी, पक्का पक्का डाउट, नॉट डाउट, पक्का डाउट, उसका रीजन यह है, मैं बताता हूँ आपको, जो ऑफिसर है उसने क्या किया, सबके ऊपर ऑर्डर इशू कर दिए, सबका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया मैंने, तो क्यों, बस मुझे डाउट है, ऐसे तो गौम से आप सबको परेशान करोगे, ऐसे नहीं हो सकता, यू मस्ट हैव रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव का मतलब है 99% से ज़्यादा आपको श्योरिटी होनी चाहिए, और ये बात मैंने इनकम टैक्स में बताई थी आपको, कि इनकम टैक्स का सर्च ऐसे नहीं है किसी भी के कभी घर में घुस जाओ, रीजन टू बिलीव होनी चाहिए, बताया था कि नहीं बताया था, अब याद करो रेड मूवी, उसमें जब वो जाता है अपने कमिश्नर से परमिशन लेने कि सर मुझे परमिशन दे दी जाए सर्च कंडक्ट करने की, तो कमिश्नर ये कहता है कि देख लो पक्का है, अगर कुछ नहीं निकला तो जिसके यहाँ सर्च करे वो तुम्हें कोर्ट में ले जाएगा, मुझे परेशान करने के लिए किया, और डिपार्टमेंट तुम्हें जॉब से निकालेगा कि तुमने जान से उसको क्यों परेशान किया, उसने कहा नहीं सर मैं विजिट कर चुका हूँ सब देख चुका हूँ पक्का है निकलेगा, इसको बोलते हैं रीजन टू बिलीव, याद आ गया होगा आपको, वो अपने कमिश्नर से परमिशन लेता है, कमिश्नर दो बातें बोलता है, देख लो कुछ नहीं निकला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी ना, बंदा कहेगा मेरी रेपुटेशन बिना मतलब के ख़राब करके चले गए, 50 बंदे लेके आगे सबको बता दिया कि इसके घर पे सच हुई है क्या कुछ मिला है नहीं, मैं बता कोर्ट में लेके जाऊँगा, जानबूझ के परेशान किया मुझे, और डिपार्टमेंट कहेगा ऐसा तुमने क्यों किया, डिपार्टमेंट अलग एक्शन लेगा, तो यहाँ पर भी हर जगह ये वर्ड है रीजन टू बिलीव, भाई अगर आपको पक्के अब पक्की श्योरिटी कैसे होगी भाई, अब उसी मूवी में ध्यान करो, घर की सारी बातें घर के किसी बंदे ने एग्जैक्ट श्योरिटी के साथ बता दी थी, था या नहीं था, तो रीजन टू बिलीव ऐसे बनता है, कोई घर का बंदा होगा जो बता के जाएगा, अब याद करो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था घर का बंदा कौन सा, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं नाम के रिश्तेदार होते हैं वैसे दुश्मन होते हैं, जब भी घर में आएंगे हर चीज़ में झांकेंगे, ये क्या है वो क्या है यूँ कैसे है, देखो आप नोटिस करो कुछ होते हैं उनका पर्पज़ आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, या फिर घर के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़, या कुछ खास फ्रेंड, वो रिलेटिव से ही बढ़ के होते हैं जो घर के अंदर घुस के बिल्कुल इतना राइट रखते हैं कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई बनाई नहीं है,
तो उनमें से ही कोई पर्सन ऐसा काम कर सकता है, वरना किसी को क्या पता भाई। ठीक है, अब इसको दोबारा रीड कर लो, डाउट पूछो। किसी पर्सन ने कहा मेरा कोई दुश्मन नहीं, तो दूसरे ने कहा इसका मतलब है तुम्हारा कोई अपना नहीं, क्योंकि दुश्मन फाइनली अपने ही बनते हैं। तो यही वाले अपने होते हैं जो सारी बात बता देते हैं, बात भी ये किस बनता है। तो एनी वे मैं तुम्हें तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप पढ़ लो, ठीक है, जिसको डाउट है बोलो। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, कब आया, May 23 में, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, फिर वही उसी कैटेगरी वाला है कि भाई बच्चों को बेचारों को पास होने दो, बीच में परेशान मत करो, 50 तो सबको ले लेने दो, परेशान करना तो उसके ऊपर वाले को। तो ये ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो अगला क्वेश्चन, ना करूं, ओके, थैंक यू।